हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम यूपी सीटी की जो रिस्पॉन्स शीट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसने जो भी रिस्पॉन्सेज हमने यूपी सीटी में दिए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यूपी सीटी एग्जाम दिया, उसकी रिस्पॉन्स शीट आ गई है, तो उसके क्या क्या आंसर होते हैं, क्या क्या सटीक सवाल होने चाहिए, उस पूरे की जो डिस्कशन है वो इस वीडियो में करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस पूरे पेपर में आए, ये अभी जिस विद्यार्थियों ने पेपर दिया उनके लिए भी और आगे जो विद्यार्थी यूपीएससीटी का पेपर देने वाले हैं सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि इससे हम पेपर का पैटर्न जान सकते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं श्रेयस, जीसीसी फैकल्टी, यहाँ पे मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील करता हूँ। अभी डीटीयू से एमटेक कर रहा हूँ और गेट क्वालिफाइड हूँ विद रैंक 6511। तो बेटा यूपीएससीटी का जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, वो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, द नॉर गेट आउटपुट। नॉर गेट आउटपुट आपको पता है बेटा, ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर दो इनपुट दिए हो ए प्लस में बी का बार, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या है कि इफ द टू इनपुट्स आर, क्या कंडीशन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे को ट्रुथ टेबल पता है तो वो बच्चा आराम से कर लेगा। जो ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है, ये क्या होती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, दैट इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ, ये तो हमने क्या बनाया, ए बी, ठीक है। नॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, दैट इज ए प्लस में बी का बार। ए प्लस में बी का बार क्या है, इन दोनों को जोड़ो और उसको इन्वर्टेड कर दो, ठीक है। तो 1 + 0 + 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, उसका इन्वर्ट कर देंगे मतलब आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। 0 + 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, उसका इन्वर्ट कर देंगे क्या आएगा, 0। 1 + 1 इसका भी क्या आएगा, 0। 1 + 1 इसको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन उसका इन्वर्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 0। सो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे क्या हो रहा है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज हाई, एंड दैट इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय यूपीएससीईटी। तो ये एक आसान क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। तो इसलिए कहते हैं बेटा, जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो यहां भी ट्रुथ टेबल पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो डी होगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही मार्क कर दिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ डेटा स्टोरेज मीडियम। तो यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक डिस्क है, डेटाबेस है, मैग्नेटिक टेप है और ऑप्टिकल डिस्क है। तो डेटाबेस एक ऐसा चीज हो जिसमें क्या होता है, आप डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। जो भी डेटाबेस होता है, ठीक है, आपने सुना होगा कि डेटाबेस क्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों क्या होता है, डेटाबेस होता है, जहां पे क्या होता है, वो अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो रखती है। तो ये क्या है, ये कोई स्टोरेज डिवाइस तो है नहीं, ठीक है। हाँ, विद द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क में हम क्या करते हैं, जो भी डिवाइस उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक टेप में अपना जो डेटा सेव करते हैं, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क है उसमें अपना डेटा सेव करते हैं, लेकिन जो डेटाबेस है हम क्या करते हैं, डेटा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फॉर्म ऑफ अ डेटा स्टोरेज मीडिया, तो वो होगा डेटा, ठीक है। तो डेटाबेस, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से आया, ठीक है, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो आंसर लिया गया है, ठीक है, कि मैच list 1 and list 2, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किससे रिलेट करता है बेटा, क्लोरोफिल से, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, जो क्रोमोप्लास्ट रिलेट करता है बेटा, वो रिलेट करता है जेनोफिल से, ठीक है। फिर आता है एलियोप्लास्ट रिलेट करता है बेटा ऑयल्स एंड फैट से, और अंत में बढ़ता है बेटा एलियोप्लास्ट बेटा क्या होता है, प्रोटीन से आपका रिलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी। तो ये ऐसा किस ऑप्शन में ठीक हो रहा है बेटा, तो ऐसा ऑप्शन में ठीक हो रहा है ऑप्शन ए, ठीक है। तो थर्ड का जो होगा वो होगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही बच्चों ने विद्यार्थियों ने देख लिया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ठीक है, दैट क्लोरोप्लास्ट रिलेट्स विद क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट रिलेट्स विद जेनोफिल्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी का, और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड पे। तो बेटा आपने सभी ने जेनर डायोड पढ़ा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा होगा, इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जेनर डायोड से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये पूछ रहा है, इन द सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग थ्रू द जेनर डायोड विल बी, इस जेनर डायोड के थ्रू करंट कितना होगा, ये निकालना है। द ऑप्शंस आर 2 mA, 3 mA, 2.5 mA, 5 mA। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, देखिए ये क्या जेनर डायोड है। अब जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है, 5 वोल्ट, ठीक है। मतलब इसमें जो करंट होगा, ये जिसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, सोर्स करंट इज इक्वल टू में जेनर डायोड करंट प्लस में लोड करंट,
यहाँ पे क्या होता है, एक सोर्स करंट होता है जो फ्लो होता है, ठीक है, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जनरल करंट और लोड करंट, ठीक है। अब लोड करंट कैसे निकाले सर? लोड करंट निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। लोड करंट क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट, अपॉन में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलो ओम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर इज द लोड करंट दैट फ्लोज थ्रू द लोड। अच्छा, हमने क्या कर दिया, लोड करंट निकाल दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए जेनर डायोड के थ्रू करंट, मतलब हमें सोर्स करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सोर्स करंट कैसे निकालेंगे बेटा, सोर्स करंट निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, दैट इज 10 माइनस में 5, जो भी मेरी वोल्टेज है, अपॉन में जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, दैट इज 5 अपॉन में 1 किलो ओम, दैट इज 5 मिली एम्पियर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो जो जेनर डायोड के थ्रू जो करंट आएगा, ठीक है, वो आएगा सोर्स करंट माइनस में लोड करंट, दैट इज 5 मिली एम्पियर माइनस में 2.5 मिली एम्पियर, दैट इज 2.5 मिली एम्पियर इज द आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जेनर डायोड के, जिसकी अच्छी कमांड है, मतलब जिसको जेनर डायोड के बाद थोड़ी बहुत जानकारी है, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आया एक और बायोलॉजी का क्वेश्चन आया, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है बेटा, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है बेटा, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, एंड्रोसियम रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन द फ्लावर, ठीक है। एंड्रोसियम इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट एंड एंथर। तो मेल बेस्ड अपॉन दी रिस्पॉन्सिट, और जो भी अपने एक्सपर्ट ने आंसर किया है, तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन 3, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन 3 रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजी में हम जब बात करते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन चैप्टर की, तो रिप्रोडक्शन में ये पार्ट आता है, ठीक है, उसमें हम एंडोसियम पे डील करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 5 का जो होगा, ठीक है, वो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन 3 मार्क किया है, मतलब ऑप्शन C, दैट इज टोटली करेक्ट। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। अब आता है, इफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना इज गिवन बाय आई, ठीक है सर। मुझे क्या दे रखा है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट दे रखा है, आई दे रखा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे बहुत बढ़िया, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है बेटा, और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का, ठीक है, फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है। हम अपने विद्यार्थियों को लगवाते भी हैं क्वेश्चन, और उसमें ये क्वेश्चन हम नोट्स में कराते हैं कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन बेटा फिक्स है कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, आपको जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, आपको क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन होगा वो होगा अंडर रूट आई अपॉन ए। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो जिन भी विद्यार्थियों ने जो रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, तो वो इसका सही जवाब है। यहां तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या है, बायोलॉजी के सवाल है, हमने डिजिटल के सवाल देखे, हमने मैकेनिक्स के सवाल देखे, तो यहां तक हम बच्चे को आइडिया लग जाता है कि हाँ, जो रिस्पॉन्स शीट आने वाली है वो मुझे इस तरह से आने वाली है, ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, द फॉलोइंग इज द प्रोसेस टू इम्प्रूविंग कटिंग एक्शंस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको, जो हम यूज करते हैं, किसको, कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है ड्रेसिंग ऑपरेशन, ठीक है। ड्रेसिंग ऑपरेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, इम्प्रूव द कटिंग एक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, ठीक है। सो फॉर द 7, ठीक है, जो 7 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, सो 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन D, ठीक है। तो ये अपना था जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 8, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो मेन जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो होता है कि टॉप व्यू ऑफ अ सर्कल हैव पॉइंट, हैव 1 पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑन HP हैविंग एन एंगल थीटा विद HP, ठीक है। तो इसका क्या आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए जो ED पढ़ते हैं ना, ठीक है, उसका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसमें हम ये सारी चीजें डील करते हैं, ठीक है। और जब मैं टॉप व्यू को देखता हूँ, ठीक है, जब भी मैं सर्कल का टॉप व्यू देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है इलिप्स, ठीक है। मुझे क्या मिलता है मेरे विद्यार्थियों, इलिप्स मिलता है, ठीक है। सो इलिप्स इज द राइट आंसर, ठीक है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने इलिप्स मार्क किया है, ठीक है, वो सही है, ठीक है। तो ये अपना आंसर था, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी कड़ी में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th क्वेश्चन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ स्फेयर इन एनी पोजिशन ऑफ एनी प्लेन इज ऑलवेज, ठीक है। मतलब क्या करता है, मैं अगर किसी स्फेयर को, ठीक है, अगर मैं किसी स्फेयर का मैं प्रोजेक्शन लेता हूं, तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। किसी प्लेन पे अगर मैं उसका प्रोजेक्शन लेता हूं, तो उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो उसका आंसर बेटा ये होता है, ठीक है, कि अगर भी उसका आंसर होता है बेटा सर्कल विद डायमीटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक बेसिक चीजें पता है, तो बच्चा आराम से पता लगा लेगा कि अगर मैं प्रोजेक्शन करता हूं किसी स्फीयर
स्फीयर की, तो मेरा जो आंसर होगा ठीक है वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा जिसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ स्फीयर। सो नाइन्थ का बेटा डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है फ्रॉम आवर साइड। ठीक है बहुत बढ़िया। टेंथ क्वेश्चन आता है बेटा, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ठीक है, इसको हम डील करते हैं ठीक है। क्या है कि एक सिलेंडर है ठीक है जिसका डायमीटर दे रखा है डी ठीक है, लेंथ दे रखा है एल ठीक है, बहुत बढ़िया ठीक है। ये क्या है ठीक है अपना डायमीटर है, एक सिलेंडर है ठीक है बेटा जी, इसका डायमीटर दे रखा है यहां से लेकर यहां तक डी ठीक है, इसका लेंथ दे रखा है एल ठीक है। फॉर अ सिलेंडर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल एज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई वी इज गिवन बाय द रिलेशनशिप व्हेन डेल्टा डी इज द चेंज इन डायमीटर एंड डेल्टा डी इज द चेन इन लेंथ ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल होता है ठीक है कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। तो जो मेरा बेटा मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है ठीक है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा अपॉन में एल माइनस में टू टाइम्स ऑफ सिग्मा चेंज इन डी अपॉन में डी ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का ऑफ अ सिलेंडर ठीक है। सो इसके हिसाब से तो बेटा ऑप्शन टू है ठीक है, दैट इज अ करेक्ट आंसर ठीक है। सो ये है अपना ठीक है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, और इसमें क्या है अपने स्ट्रेन हमने देखा ठीक है, हमने स्ट्रेन देखा ठीक है, हमने डायमीटर और लेंथ में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है। तो उस चेंज इन डायमीटर और चेंज इन लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वो होता है मेरा ठीक है डेल्टा अपॉन एल माइनस में टू टाइम्स ऑफ डेल्टा डी बाई डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने की तरफ अपना जीसीसी में अपना 17 सितंबर से सेकंड बैच चालू हो रहा है, तो जो भी बच्चा इनरोल करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे हम सभी क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और यहाँ पे इवन जितने भी विद्यार्थियों ने हमें इस पूरे एग्जाम में अपियर किया है उससे आप पूछ सकते हो कि 80-90% क्वेश्चन है वो यहाँ कराए हुए हैं ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन होता है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 वोल्ट ठीक है, मतलब आपको क्या है ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की क्या माइनस में 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इन दिस स्टेट क्या पूछ रहा है, इसी स्टेट में द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली ठीक है, कि इसमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ठीक है। तो इसका जो बेसिक जो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी ठीक है वो तो क्या होगी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ठीक है उसके अपोजिट मतलब 13.6 ठीक है। तो 13.6 कहाँ कहाँ पे है ठीक है, ऑप्शन वन पे और ऑप्शन थ्री पे ठीक है। और जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ठीक है वो क्या होगी माइनस में 27.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस ठीक है ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर ठीक है। तो जो भी विद्यार्थियों को देखना है ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो जो भी केमिस्ट्री होती है केमिस्ट्री के जो बेसिक सवाल होते हैं उसमें हम क्या करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कोई भी अगर आपको ग्राउंड स्टेट दे रखा है किसी भी एलिमेंट का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ठीक है, तो उसकी क्या कर सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो उस इलेक्ट्रॉन का ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डील करते हैं हम ठीक है। तो इसमें क्या है ठीक है मतलब बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहूंगा इसको तो मैं ठीक है। इसमें क्या है कि एक बैलून है ठीक है, इसमें जो लॉ ऑफ फोर्सेस जो हम पढ़ते हैं ठीक है कि जो लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं ठीक है लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं ठीक है, उसमें हम लॉ ऑफ फोर्सेस में देखते हैं ठीक है बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ मोशन में हम देखते हैं बेटा ठीक है। और लॉ ऑफ मोशन में तीन लॉ देखते हैं ठीक है, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस में 80, एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2x ठीक है। दैट इज द बेसिक लॉज ऑफ मोशन ठीक है, जिससे हम बहुत सारे सवाल लगाते हैं फिजिक्स के जितने भी सवाल हम इससे लगाते हैं ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है ठीक है, इसमें क्या है कि एक बैलून है ठीक है इज असेंडिंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा जी 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बहुत बढ़िया ठीक है। अब कह रहा है कि दो स्टोन्स है ठीक है जिसको मैं ड्रॉप करता हूँ ठीक है फ्रॉम इट एट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन्स 1.5 सेकंड आफ्टर द सेकंड स्टोन इज रिलीज्ड बाय ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होता है ना बेटा ठीक है, इसका जो हमारा ऑप्शन आया ठीक है जो भी बेस्ड अपॉन द सॉल्यूशन की हमने क्या करा बहुत ही आसान से सवाल है ठीक है, ये बैलून है ठीक है वो इन असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है इज असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड और उस बीच में क्या करें दो स्टोन्स को ड्रॉप करें ठीक है और जिसका इंटरवल क्या है ठीक है 2 सेकंड्स है, उसके बाद मैंने क्या करा ठीक है 1.5 सेकंड बाद मैंने क्या करा एक और स्टोन ड्रॉप कर दिया ठीक है। तो
कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टोन इज, ठीक है, जो डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच, ठीक है, वो आएगा 50 मीटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है। इसे कैसे निकालते हैं बेटा, इसको निकालने का तरीका होता है जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू में यूटी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज द एक्सप्रेशन दैट वी यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो तो क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें हम जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या होती है, ठीक है, जो नेट एक्सेलरेशन लेते हैं वो क्या होता है, 0.2 तो होता ही है, प्लस में जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि हम स्टोन को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, जब स्टोन को मैं नीचे गिरा रहा हूँ, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 0.2, ठीक है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9.8 लेके कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर 10.8 कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको लेके कंसीडर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आपको पुट करना है मेनली, ठीक है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करते ही क्या होगा, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और इससे क्या होगा, आपको एक डिस्टेंस मिलेगा S1 और एक डिस्टेंस मिलेगा S2, और जो नेट डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या होगी, S1 माइनस में S2, इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, दैट इज 50 मीटर, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन कराए भी जाते हैं, नोट्स में सारे ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें क्या होगा कि हम ऐसे क्वेश्चन कर सके, बट यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन, दैट क्या है ये मोशन के लॉ, क्या है ये नियम जो है मोशन के, वो क्या है, ठीक है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as, ठीक है। तो इन सवालों को अगर आपको करना है, ठीक है, तो ये जो आपके लॉज है, ये जो आपकी इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ बाइनरी नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है, हमको पता है कि हम जितनी भी कंप्यूटर क्या समझते हैं, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, अब बाइनरी लैंग्वेज समझ रहे हैं तो कौन सी चीजें होती है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, दैट व्हाट आर द बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो जो भी हम चीजें करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, जीरो या वन, ठीक है, जीरो रिप्रेजेंट करता है लो और वन रिप्रेजेंट करता है बेटा जी हाई, ठीक है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जो जितने बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, उन सबको क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, जीरो और वन में, ठीक है। तो यहां तक आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ऑप्शन भी है जीरो और 0.1, ठीक है, तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें क्या है, केसी ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वन और टू नॉट कंसिडर, और टू और जीरो, ठीक है, ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो वन जीरो और वन इज द ओनली केस, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं बाइनरी नंबर्स में। और जितनी भी हम कंप्यूटर की जो भाषा होती है या फिर जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी मेरे गेट समझते हैं वो क्या समझते हैं, जीरो और वन, ठीक है, ये जो चीजें समझते हैं, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है 14th क्वेश्चन, ठीक है, इन डाई कास्टिंग मशीन ऑफ कोल्ड चैम्बर टाइप, ठीक है, इन डाई कास्टिंग मशीन ऑफ कोल्ड चैम्बर टाइप, इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉट इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है कि जो भी अपना, ठीक है, डाई कास्टिंग मशीन होता है, ठीक है, कोल्ड चैम्बर टाइप का, उसमें जो मेल्टिंग पॉट होता है, ठीक है, वो सेपरेट होता है, ठीक है, मशीन से, ठीक है। सो 14th का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये जो है बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़े हैं कहीं, ठीक है, मतलब आपने अपने जब प्रिपरेशन के दौरान कहीं पढ़े हैं या फिर सेमेस्टर्स में पढ़े हैं, सेमेस्टर एग्जाम के थ्रू पढ़े हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजिली हैंडल कर सकते हो, इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अब केमिस्ट्री का एक सवाल है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, कौन सा ऑर्डर बेटा, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है, लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है इसका, ठीक है। सो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, तो जो लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है, वो आएगा, ठीक है, ओ की पावर ओ बेस टू टू की पावर माइनस, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, जिसका क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा सबसे क्या होगा, लोएस्ट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, 15th क्वेश्चन ऑप्शन डी बहुत सही, ठीक है। अब चलते हैं, बहुत बेहतरीन, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अब आता है पॉइजन रेशो इज डिफाइंड बाय, ठीक है, जो पॉइजन रेशो है ना, ठीक है, वो मैं किससे डिफाइन करता हूँ, ठीक है, हम कैसे पॉइजन रेशो को डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है, कि हम कैसे पॉइजन रेशो को डिफाइन कर पाते, ठीक है। तो बेटा पॉइजन रेशो जो होता है, ठीक है, ठीक है, वो डिफाइन होता है बेटा, ठीक है, लीनियर स्ट्रेन अपॉन में लेटरल स्ट्रेन से, ठीक है, नहीं 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 लेटरल स्ट्रेन सॉरी, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एक मिनट बेटा जी, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है,
पॉइजन रेशो की बात करिए बेटा, किसकी बात करिए, पॉइजन रेशो की, ठीक है। तो पॉइजन रेशो की क्या होती है, सिंपल अपनी डेफिनेशन होती है, ठीक है, दैट पॉइजन रेशो इज डिफाइंड बाय लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ अ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, दैट इज डिफाइंड बाय पॉइजन रेशो। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, जो बेसिकली डायोड से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, डायोड से क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने जनरल डायोड से क्वेश्चन देखा, अब मैं डायोड से क्वेश्चन देख रहा हूं, ठीक है। तो डायोड से भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो बेहतरीन पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। डायोड को क्या करता है, डायोड का फॉरवर्ड बायस होता है, डायोड का रिवर्स बायस होता है, डायोड की क्या आउटपुट वेव फॉर्म होती है, ठीक है, तो इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस होता है व्हेन पी इज कनेक्टेड, व्हेन एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। तो तब मेरा जो क्या होता है, डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। रिवर्स बायस क्या होता है, व्हेन एनोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, देन द डायोड इज नोन एज रिवर्स बायस। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, यहीं से खत्म हो जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। हम क्या करते हैं, व्हाट विल बी द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो बेटा ये क्या है कि अभी क्या है मेरे पास, पॉजिटिव वेव आई, ठीक है, क्या ये पॉजिटिव वेव, ठीक है। तो इस दौरान क्या करेगा, इस दौरान तो ये क्या करेगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जब जैसी नेगेटिव साइन की लाएगी बेटा, क्या आएगी, जैसी नेगेटिव साइन की लाएगी, ठीक है, तो क्या कर देगा, जो डायोड है, ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जो डायोड है, ठीक है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा बेटा फॉरवर्ड वाइज। तो जो भी वेव फॉर्म यहां पे दिख रही है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, सारी आउटपुट वोल्टेज जो हमें रिप्रेजेंट करी है। अब जब पॉजिटिव साइकिल में तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस दैट इज, ठीक है, कोई, ठीक है, जैसे अपनी, ठीक है, जैसे अपना नेगेटिव साइकिल आई, क्या ही बेटा, नेगेटिव साइकिल, ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल पे क्या होगा, जो मेरा डायोड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस आ जाएगा, ठीक है, तो जो भी वोल्टेज है, ठीक है, वो यहाँ अपीयर हो जाएगी, ठीक है, और इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा ऐसे, ठीक है। सो दैट इज द राइट आंसर। ये टाइम इंटरवल है टी बाय टू, ठीक है, ये टाइम टी, ठीक है, सो 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो 3 होगा, ठीक है। इसी में क्या होता है बेटा, पूछता है, ठीक है, कि ना क्या वोल्टेज अपीयर करेगी, ठीक है, जब डायोड क्या है, ठीक है, जब डायोड क्या है, ठीक है, फॉरवर्ड, मतलब अगर मान लो मैं ऐसी क्वेश्चन ऐसी पेपर में हम ऐसे कराते हैं कि ऐसा कंडीशन है, ठीक है, ये मेरा लोड है, ठीक है, इस कंसीडर बेटा में जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो सिंपली कैसे आती है, ऐसे आती है, और जब नेगेटिव साइकिल होती है तो वो कंसीडर नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला केस है, ठीक है, और बस इसमें डायोड की जो पोजीशन है वो उल्टी कर दी है, पोजीशन उल्टी करने की वजह से जो वेवफॉर्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनपुट को फॉलो करेगा, लेकिन कब फॉलो करेगा, जब वो नेगेटिव साइकिल पे होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछते हैं। डायोड क्या होता है, बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, तो जो भी एग्जाम में सेट करता है वो डायोड से क्वेश्चन देगा, ठीक है, डायोड से क्वेश्चन देगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन देगा, तो जितने भी बेसिक गेट है, यूनिवर्सल गेट है, स्पेशल गेट है, वो सब पता होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसे क्या होता है, इसने एक गेट लगाया, ठीक है, अब एक डायोड लगाया, उसमें क्या होता है, मल्टीपल डायोड से ऑपरेशन कर सकता है और पूछता है कि क्या आउटपुट वेवफॉर्म रहेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सवाल हुआ, ठीक है, जो हमें करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आया, व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर 44, ठीक है, मेरे पास एक वैल्यू दे रखा है बेटा 44, ठीक है। अब 44 क्या करना है मेरे को, डेसिमल वैल्यू निकालना है, ठीक है, डेसिमल मतलब, ठीक है, इसको कैसे, किसके फॉर्म में करेंगे, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा 101100, ठीक है, ये इसका होगा डायरेक्टली, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, 44 है, ठीक है, इसको बाइनरी बिट्स में हमने क्या करा, कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, 18 का क्या होगा बेटा, सी होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब इसको आपको रिप्रेजेंट भी करना चाहिए, ठीक है, कि इसको रिप्रेजेंट करता कैसे है, ठीक है, 44 है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये कि टूटा कितने बिट में, ठीक है, टूटा कितने बिट में, ठीक है। तो ये जो 44 है इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 6 बिट में, कितने रिप्रेजेंट में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, 6 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इसका आंसर निकलता है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है, तो होगा 32 16 8 4 2
ठीक है, तो बस इसको 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 जोड़ दो, ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, आपके आपको इसके पास सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। सो क्या करना है, ठीक है, ऐसे ही करता हूँ मैं, इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बेसिक बेसिक जिसको डिजिटल की नॉलेज है, ठीक है, तो ये सारे सवाल उसको एक बार में हल हो जाने चाहिए, ठीक है, कि मतलब क्या होगा, ठीक है, ये 44 है, सो कितने नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी बिट्स, ठीक है। ऐसे क्या करता है बेटा वो, ऐसे इसने क्या दिया, ठीक है, डेसिमल वैल्यू दिया, ऐसे बेटा वो हेक्साडेसिमल वैल्यू दे सकता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि इसको बाइनरी बाइनरी बताओ, बाइनरी क्या होगी। ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलते हैं आईपीयू लीड में, अगर आप बात करोगे, डीटीयू लीड में बात करोगे, यूपीसेट के लीड में बात करोगे, जितने भी लीड ओवरऑल लीड होते हैं उसमें जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, कन्वर्जन बेटा बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि फेवरेट टॉपिक होता है, कि इससे क्वेश्चन जरूर बनाता है एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, गेट्स हो गए, ठीक है, ट्रुथ टेबल हो गई, कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, चीजें क्या होती है, मतलब टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, व्हेन द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड कट्स ऑल द जनरेटर्स ऑन वन साइड ऑन एपेक्स ऑफ अ कोन, ठीक है, तो द सेक्शन इज, ठीक है, तो बेटा इस केस में बेटा ये एलिप्स बनता है, ठीक है, इस केस में क्या बनता है, ये एलिप्स बनता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू 19th क्वेश्चन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, किसकी, जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, लॉ ऑफ फोर्सेस की, किसकी बात करता हूँ बेटा, लॉ ऑफ फोर्सेस की, ठीक है, तो लॉ ऑफ फोर्सेस में जो सबसे पहला लॉ पढ़ाते हैं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं बेटा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से सवाल आते हैं, देखने को मिलते हैं, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए क्या पूछा, क्या कह रहा है, दो फोर्सेज हैं पी एन क्यू और एक्टिंग एट एंगल थीटा ऑन अ बॉडी, ठीक है, दो फोर्सेज है बेटा, पी है और क्यू है, जो एक्टिंग कर रहे हैं एक बॉडी पे, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे क्या कर रही है, दो फोर्सेस लग रही है अपनी, ठीक है, और दो फोर्सेस हैं पी एन क्यू, ठीक है, इफ पी इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, पी क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज अल्फा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज अल्फा, ये जो एंगल बेटा अल्फा है, ठीक है, तो विद, ठीक है, अल्फा इज विद द फोर्स इज गिवन बाय, ठीक है, तो टेन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू जो हम कहते हैं ना, सिंपल जो कहते हैं ना आसान भाषा में, ठीक है, ये होता है बेटा क्यू टाइम्स ऑफ, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में पी प्लस में क्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, इसको सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, इसको पैरेललोग्राम वैसे समझाते हैं, ठीक है, ये हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऐसे खींचते हैं, ठीक है, तो ये मेरा एंगल बनता है अल्फा, ठीक है, इसका इसको दो पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये होता है बेटा क्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पे होता है बेटा मेरा पी, ठीक है, बस इस ट्रायंगल में क्या कर दिया मैंने, ठीक है, ये ट्रायंगल अल्फा है, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने क्या कर दिया, सवाल लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या था बेटा क्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा था, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, ये पी है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्यू कॉस थीटा है, ठीक है। जब लॉ पैरेलल बताते हैं, ठीक है, तो दो फोर्सेस होते हैं, और ये क्वेश्चन होता है ना, मैं डायरेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, कि एंगल बताओ, ठीक है, और एंगल क्या होता है, सीधा निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसके बेस पे, ठीक है, जो ये है ना, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप लगा दो, ठीक है, टेन थीटा, टेन अल्फा क्या होता है, पी बाय बी, ठीक है बेटा जी, पी क्या है बेटा, क्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा, बहुत बढ़िया, बेस क्या है बेटा, पी प्लस में क्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ से आते हैं, ट्रायंगल लॉ से आते हैं, पॉलीगन लॉ से आते हैं, लैमीज थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिक्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये जो थ्योरम्स है ना, ठीक है, ये बहुत बेसिक थ्योरम है, और इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है, तो इस पर अच्छी खासी स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो भी यहाँ कराया जाता है ना, उसमें ये नोट्स पे ना, इन इन सब चीज़ों पर काफ़ी इफेक्ट दिया जाता है, काफ़ी जोर दिया जाता है कि बच्चे को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, उसके बिना सवाल ही नहीं बनता कि आप पेपर देने जाओ, ठीक है, बहुत बेहतरीन, अच्छा ठीक है। अब आता था इंटरेक्शन बिटवीन सी अनोमिया एंड क्लॉन फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो बेटा ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है किसका, कॉमेंसैलियन का, कॉमेंसैलिसियम का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, हमें क्या है, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑफ क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, फिर से क्या है बेटा, रेक्टिफायर से क्वेश्चन आया, क्या आया, डायोड आया, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि डायोड की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील कर रहे हो, ठीक है, और पेपर में जा रहे हो, ठीक है, क्या बेटा इन फुल वेव रेक्टिफायर, कौन सा रेक्टिफायर है बेटा,
फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी। इन फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच डायोड फ्लोस, ठीक है। अब करंट कितना फ्लो करता है, ठीक है, तो फुल वेव अगर रेक्टिफायर है, ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर है मेरा, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, तो दो तरह के होते हैं बेटा, कौन कौन से होता है, एक तो होता है बेटा सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक होता है बेटा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है ना डायोड के थ्रू, ठीक है, वो क्या होता है, हाफ साइकिल फ्लो करता है इनपुट सिग्नल का, ठीक है। जो भी मेरी इनपुट सिग्नल है, अभी मेरा डायोड है, ठीक है, अब जो डायोड है ये तो सिर्फ हाफ साइकिल पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। फुल ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ये ब्रिज की फॉर्म में होती है। सेंटर टैप में क्या होता है, ये मेरा रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, और यहां पे क्या होती है, ठीक है, अपना ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखा, ठीक है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा सेंटर टेप में, ठीक है। तो लेकिन जो मेन क्रक्स था, जो मेन कंक्लूजन था, ठीक है, वो ये था कि अगर मेरा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, तो कितनी देर के लिए किस डायोड में करंट है वो कितने साइकिल के लिए फ्लो करेगा, ठीक है। तो उसका जो आंसर होता है बेटा, हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट के हाफ साइकिल पे अपना जो करंट है वो फ्लो होता है, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। फिलिंग इन डैश द फाइल रिमूव्स द मेटल, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिलिंग इन फॉरवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड स्ट्रोक करते हो, ठीक है, फिलिंग इन फॉरवर्ड स्ट्रोक द फाइल रिमूव्स द मेटल, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है बेटा, ठीक है, जब इसको मैं फिल करता हूं तो उसमें जो फाइल होती है ना वो रिमूव करती है, ठीक है, द मेटल, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ये ऑप्शन, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब आया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि एक इंडक्टर है, इस कनेक्टेड टू अ सप्लाई ऑफ अ 250 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, सीरीज एलआर का सर्किट है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, 250 वोल्ट है, 50 हर्ट्स है, कितना करंट ले रही है, करंट ले रही है बेटा 5 एम्पीयर, ठीक है। द कॉइल डिसिपेट्स 750 वाट, अब पावर डिसिपेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पावर डिसिपेशन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा देख कर जाएगा कि पावर तो भाई रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप होगा, तो ये जो डिसिपेशन है, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, रजिस्टर के थ्रू होगा, ठीक है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर कभी पावर डिसिपेट नहीं करते, पावर डिसिपेशन थ्रू इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज जीरो, सो वट एवर डिसिपेशन दैट वी हैव इन द सर्किट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रजिस्टर, ठीक है। तो जो भी लॉस हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, वो किसमें हो रहा है, रजिस्टर में हो रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। रेजिस्टेंस दे रखा है किसना, ठीक है, और इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा 30 ओम, ठीक है, और अपने को क्या निकालना है, एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि पावर फैक्टर क्या होगा और इंडक्टेंस क्या होगा कॉइल का, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, एल निकालना है, कि इस इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सीरीज एलआर सर्किट को सॉल्व जब करते हैं, ठीक है, तो यहां से हम क्या देखते हैं, ठीक है, कि वोल्टेज अक्रॉस आर देखते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, आई इंटू में आर, ठीक है, ये कितना होता है 5 × 30, बहुत बेहतरीन, ठीक है, ये कितना हो गया 150 वोल्ट, बहुत बेहतरीन, ठीक है। ऐसी बेटा वीएल के क्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है, वीएल के क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, होता क्या है, होता तो ये है आई इंटू में जे टाइम्स ऑफ एक्सएल, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है, आई टाइम्स ऑफ एक्सएल, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरे को क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस एल निकालना पड़ेगा। वोल्टेज अक्रॉस एल कैसे निकालते हैं बेटा, सीरीज आरएल सर्किट है, ठीक है, तो ये क्या होता है, वी स्क्वायर, जो ओवरऑल वोल्टेज होती है वो क्या होता है, वी आर का स्क्वायर प्लस में वीएल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप वोल्टेज निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल के आपको करंट पता है, आप एक्सएल निकाल सकते हो, और एक्सएल से आप क्या कर सकते हो, एक्सएल क्या होता है बेटा, ठीक है, एक्सएल होता है बेटा ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या होता है बेटा 2πfL, ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सएल आपके पास आ गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 50 हर्ट्ज़, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एक्सएल निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस ये ऐसे क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसको फेजर डायग्राम से भी कर सकते हो, ठीक है, फेजर डायग्राम से कैसे कर सकते हो, आपको पता है भैया कि क्या है, कि सीरीज आरएल सर्किट है, क्या सर्किट है, सीरीज आरएल सर्किट है, ठीक है। तो सीरीज आरएल सर्किट का अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं तो कैसे बनता है बेटा, सीरीज आरएल सर्किट का फेजर डायग्राम बनाता हूं तो ये होता है बेटा मेरा करंट जो कांस्टेंट होता है, ये होता है मेरा वोल्टेज अक्रॉस आर, और ये होता है मेरा वोल्टेज अक्रॉस एल, एंड दैट इज अ वोल्टेज दैट वी हैव, एंड दैट इज अ फाई जो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हो, कॉस फाई ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, कॉस फाई क्या होता है बेटा, बी बाई एच, ठीक है, बी क्या दे रखा है बेटा, वी आर, ठीक है, अपॉन में वी, ठीक है। तो वी आर आपको पता है, ठीक है, वी आपको पता है, ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉस फाई क्या करते हो, कर सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो और इस सारे क्वेश्चन को आप आराम से सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो ऑप्शन डी है ना, ठीक है, वो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। सीरीज आर एल, सीरीज आई सी, ठीक है, सीरीज आर सी पूछा जाता है, ठीक है, सीरीज आर एल सी पूछा जाता है, ठीक है, पैरेलल आर एल पूछा जाता है, पैरेलल आर सी पूछा जाता है, पैरेलल आर एल सी पूछा जाता है। उसके जब और आगे बढ़ते हैं तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, रेजोनेंस पावर फैक्टर क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। अब किसी भी लीड में जाओ, ठीक है, तो देखेंगे लेटर ऑनवर्ड्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेहतरीन से सवाल है, ठीक है, उसको भी डील करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 मीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है बेटा कितनी, 500 मिलीमीटर, ठीक है। द लेंथ रिप्रेजेंटेड ऑन द ड्रॉइंग इज 2.5 सेंटीमीटर। अब जो लेंथ रिप्रेजेंट कितनी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन फैक्टर निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन फैक्टर जब आप निकालोगे, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो किसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 25, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है स्केलिंग रेशियो ऑफ डेजिग्नेशन M1 इज, ठीक है। तो जो स्केलिंग रेशियो होता है ना, ठीक है, डेजिग्नेशन M1 का वो होता है 1:1, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, बहुत बेहतरीन, ठीक है। ईडी से पूछा गया क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन नंबर पूछा है, ठीक है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ ट्रेसेस फॉर अ लाइन पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल एचपी एंड वीपी, ठीक है, आर, ठीक है। मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रेस बनेंगे फॉर अ लाइन पैरेलल टू बोथ एचपी एंड वीपी, ठीक है। मतलब मेरा क्या प्रोजेक्शन दिखा रहा हूं मैं एचपी और वीपी के, ठीक है, तो मेरे कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, वो बनेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर प्रोजेक्शन बनेंगे बेटा, जीरो, कोई प्रोजेक्शन नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अच्छे सवाल पूछे हैं, बायोलॉजी के अच्छे सवाल पूछे हैं। तो जितने भी लीड के विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो प्रिपेयर रहे कि मेरे को मैकेनिक्स के लिए प्रिपेयर रहना है, केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर रहना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर रहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपेयर रहना है, सभी के लिए प्रिपेयर रहना है, ताकि मैं एक अच्छा स्कोर कर पाऊं। और इस पेपर में अगर किसी विद्यार्थी के 60 से 65 क्वेश्चन सही है तो उसकी बेटा टॉप 10 के अंदर रैंक निश्चित है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब ये एक प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो उतना अच्छा करो, ठीक है, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल पाए, आपको SBTU मिल पाए, आपको IIT लखनऊ मिल पाए, ऐसे जो टॉप के कॉलेज है वो मिल पाए आपको इस यूपी सीट की CET एग्जाम से, ठीक है। इसलिए एक अच्छा सिनेरियो देखो कि इस पेपर, पूरे पेपर का एनालिसिस कैसा है, कितने क्वेश्चन ईडी से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बायोलॉजी से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ रहे हैं। तो इस सबका पूरा एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आपको किसी भी एग्जाम में एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, ठीक है विद्यार्थियों। चलो बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इफ देयर आर 2n+ में 1 टर्म्स इन एपी, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, 2n+ में 1 टर्म्स है एपी में, देन फाइंड द रेशियो ऑफ sm ऑफ एन ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, एक एपी दे रखा है, एपी का क्या दे रखा है, 2n+1, ठीक है। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपके पास, ठीक है, क्या दे रखा है, ठीक है, एन की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, एन की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, एन की वैल्यू आप 3 को पुट करनी है, तो आपको क्या मिलेगा, एक एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं अगर एन की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू में 1, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, 2 × 1, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, दैट इज 3, ठीक है, बहुत बेहतरीन। एन इज इक्वल टू 2 लिखता हूँ बेटा, ठीक है, 2 = 2, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है, दैट इज 5, बहुत बेहतरीन। एन इज इक्वल टू में 3 करता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 × 3 + 1, दैट इज 7, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, नेक्स्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 2 का। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, बहुत बेहतरीन। डी कितना दिया हुआ है बेटा, डी दिया हुआ है 2, नेक्स्ट आप निकाल सकते हो 7 होगा, 9 हो गया, 11 होगा, 13 होगा, दैट इज द ए पी दैट यू हैव। अब पेपर में पूछा क्या है, पूछा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप तो ये निकाल लिया आपने, ए पी निकाल लिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स, ठीक है, तो आपको सम निकालना है ऑड टर्म्स का और सम निकालना है किसका, इवन टर्म्स का, ठीक है, उसको निकालो, ठीक है। उसको निकालने के बाद क्या कर दो, ठीक है, आप इसमें इक्वेट करो, ठीक है, और इसका जो आंसर है, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दैट इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा n+n ratio n, ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है। ऐसे जो सवाल है ना, ठीक है, वो बेसिकली केस में कराए जाते हैं, ठीक है, कि ये केस है, ठीक है, समझाने का तरीका ये है, लेकिन इसके क्या होते हैं, कुछ स्पेशल केस बनते हैं, और स्पेशल केस के थ्रू क्या कर सकते हो, आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बहुत बेहतरीन।
चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, द कैची मेमोरी वर्क्स बिटवीन, ठीक है, क्योंकि जो कैची मेमोरी होती है वो किसके बीच काम करती है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसने पढ़ी है, ठीक है, या फिर जिसको बेसिक आइडिया है, ठीक है, जो कैची मेमोरी है ना, ठीक है, वो वर्क करती है सीपीयू और रैम के बीच। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कैची मेमोरी है वो वर्क करती है किसके बीच, सीपीयू के बीच और रैम के बीच। ठीक है, सो 29th का जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा सी होगा, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब चलते हैं, दोबारा से इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं, और सारे किससे पूछे हैं, प्रोजेक्शन से पूछे हैं। कितने सारे क्वेश्चन प्रोजेक्शन से पूछे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ एचपीयूवीपी क्या होगा, किसी लाइंस का प्रोजेक्शन क्या बनेगी। तो प्रोजेक्शन क्या है, फेवरेट टॉपिक है, मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और इस वीडियो को देख रहा है, तो बेटा प्रोजेक्शन अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप करते हो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, द फर्स्ट प्रोजेक्शन, द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द टॉप व्यू विल बी। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करता हूं तो जो टॉप व्यू होगा, ठीक है, वो कहां बनेगा, तो जो टॉप व्यू होता है ना बेटा, ठीक है, वो बनता है बिलो द रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप व्यू बनता है ना, वो कहां बनता है, रेफरेंस लाइन के नीचे ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा गया सवाल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है भाई, मोटर है। ठीक है, अब मोटर हमें पता है। ठीक है, मोटर इज अ डिवाइस। ठीक है, विच, ठीक है, क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, आपके घर पे बहुत सारी मोटर होगी। ठीक है, ठीक है, तो मोटर क्या करती है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और उसको किसमें कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। सेम जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करती है, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हो और वो किसमें कन्वर्ट करती है, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, जिसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी है 230 वोल्ट। ठीक है, टेक सप्लाई करंट ऑफ 8 एम्पीयर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इफिशियंसी इज इक्वल टू दिस द आउटपुट ऑफ अ मोटर। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, आउटपुट क्या होता है बेटा, आउटपुट अपॉन में इनपुट, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, फ्रॉम 230 वोल्ट। ठीक है, तो इस रिलेशन से अगर सॉल्व करोगे, 230 वोल्ट है। ठीक है, और जो करंट है, ठीक है, वो कितना है बेटा, 8 एम्पीयर। ठीक है, इफिशियंसी दे रखी है 0.85%। ठीक है, तो इसको वेट करोगे 0.85। ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट निकालना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, और क्या पूछा है बेटा, ठीक है, आउटपुट ऑफ द मोटर विल बी, आउटपुट निकालना है बेटा। ठीक है, आउटपुट निकालना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, ठीक है, इनपुट ऑफ द पावर, ठीक है, इनपुट ऑफ द पावर है। ठीक है, इनपुट ऑफ द पावर से निकालना है। ठीक है, इनपुट ऑफ द पावर क्या होगा बेटा, ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट 230 वोल्ट। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, एफिशिएंसी दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, 230 × I। ठीक है, जो भी मेरी पावर की रेटिंग होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, ठीक है, आउटपुट पावर देंगे इसका। ठीक है, ये होगा। ठीक है, cos phi भी होता है, लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो cos phi की वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ठीक है, 0.85। ठीक है, इंटू में 230 × 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा विद्यार्थियों, ठीक है, हम इसका करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं, और सबका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है कैलकुलेट करके, वो आ रहा है 1564। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम। ठीक है, ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर करता है किसको, वोल्टेज और करंट को। ठीक है, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेनिंग पावर कांस्टेंट। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा ट्रांसफार्मर, क्या करता है, वोल्टेज और करंट को करता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट में खेलेगा। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो इफिशियंसी होती है पावर ट्रांसफार्मर की, वो मैक्सिमम कब होती है। ठीक है, तो कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसको जब आप फुल लोड पे चलाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी देता है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/8 लोड, ये कब चलाते हैं, जब मैं पैरेलल ऑपरेशन में, जब अपने ट्रांसफार्मर क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो डिमांड होती है वो कम होती है, तो हम कुछ ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे चलाते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर को 50% ऑफ लोड पे चलाते हैं, कुछ को 1/4 times ऑफ लोड पे चलाते हैं। लेकिन उससे क्या होती है, जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, घटती है। लेकिन जो इफिशियंसी होगी ना पावर ट्रांसफार्मर की, वो मैक्सिमम कब होगी, जब अपना जो फुल लोड होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा 32। ठीक है, तो ये बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि पावर ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम कब होगी, फुल लोड पे होगी, हाफ लोड पे होगी, 1/2 पे होगी, 1/8 ऑफ फुल लोड होगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इन सब से भी क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ठीक है,
अच्छा ठीक है, अब आया वेक्टर से सवाल, ठीक है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है दैट, ठीक है ए प्लस बी प्लस जी इज इक्वल टू में 0, ठीक है बहुत बेहतरीन, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है मुझे क्या निकालना है बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है इन दो वेक्टर के बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, ठीक है प्लस में सी वेक्टर इक्वल टू में 0, ठीक है पहली चीज जो मेरे को दे रखी है बहुत बेहतरीन। अब क्या दे रखा है मेरे को, मैग्नीट्यूड दे रखा है सबका, ठीक है 3 5 7, ठीक है क्या दे रखा है 3 5 7, ठीक है तो यहां से कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है एंगल निकालना है तो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है और यहां से क्या करता है मुझे, हमें क्या निकालना है इसका ए और बी के बीच का जो एंगल है, ठीक है वो निकालना है, ठीक है तो अगर मैं इसका ए और बी के बीच का एंगल निकालता हूँ, ठीक है तो ये मेरा पाई बाय 3 आ रहा है, ठीक है तो पाई बाय 3 जो होगा, ठीक है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है इसमें ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए वैक्टर इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 5, ठीक है और सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है वो है 7, ठीक है सो बेस्ड अपॉन दैट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है वैक्टर से लिया गया है, ठीक है और वैक्टर्स में वेक्टर्स पूछते हैं पेपर में, ठीक है तो पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं, अगर आपको वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज है तो आप मैकेनिक्स से भी अच्छी डील करते हैं, क्यों, क्योंकि मैकेनिक्स में हम सारी जो स्टडी है फोर्स की करते हैं, ठीक है और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है तो जो पूरी एनालिसिस है, ठीक है वो क्या होती है, आसान हो जाती है, ठीक है बहुत बेहतर। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं, ठीक है अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सवाल है, ठीक है जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, ठीक है उससे सवाल है, ठीक है उसके बेस पे हमें जवाब देना है, ठीक है द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच हैज ऑल द फीचर्स ऑफ स्क्राइबर स्केल बेवल प्रोट्रैक्टर एंड अ ट्वाइस स्क्वायर, ठीक है इससे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है इस पूरे को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है तो इसका जो आंसर होगा ना बेटा, ठीक है वो होगा डी, ठीक है बहुत बेहतरीन, ठीक है फिर से बेटा ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ठीक है हम क्या करते हैं, ठीक है वाट मीटर मेजरमेंट, ठीक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आता है मेथड, एक टॉपिक आता है, ठीक है टू वाट मीटर मेथड, टू वाट मीटर मेथड में आता है, ठीक है कि मेजरमेंट, ठीक है मेजरमेंट, ठीक है कि वाट मीटर कितना रीड कर रहा है, ठीक है वाट मीटर मीटर वाट मीटर मेजरमेंट से सवाल है, ठीक है वाट मीटर मेजरमेंट में क्या करते हैं, ठीक है ठीक है अलग अलग थ्री फेस पावर को, थ्री फेस जो पावर आ रही है, ठीक है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं वाट मीटर इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम क्या कर सके, ठीक है अपनी जो पावर है, ठीक है उसे क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके, ठीक है तो इसका बेटा सीधा सवाल होता है, ठीक है मतलब इसमें हम ये होता है टेन फाइव जो होता है, ठीक है वो होता है, ठीक है अंडर रूट 3, ठीक है रेटिंग ऑन डबल वन माइनस में डब्लू टू अपॉन में डब्लू वन प्लस में डब्लू टू, ये डायरेक्ट लिखा दिया जाता है बच्चों को, ठीक है जो भी विद्यार्थी लीड की तैयारी कर रहा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील कर रहा है, ठीक है तो जब वो टू वाट मीटर मेथड पढ़ता है, ठीक है फॉर पावर मेजरमेंट, ठीक है टू वाट मीटर मेथड पढ़ते हैं, थ्री वाट मीटर मेथड होता है, वन वाट मीटर मेथड होता है, ये सारे क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है टू मेजर द पावर, ठीक है पावर मेजर करने के लिए होते हैं और उसमें हम टू वाट मीटर मेथड यूज कर रहे हैं, तो टू वाट मीटर मेथड का जो रिलेशन आएगा, ठीक है फॉर पावर फैक्टर कैलकुलेशन वो आएगा रूट 3 इंटू में डब्ल्यू वन माइनस वन डब्ल्यू टू अपॉन में डब्ल्यू वन प्लस, ठीक है रूट 3 की वैल्यू 1.71 होती है, इसने 1.73 की अप्रोक्स लिया हुआ है, तो डब्ल्यू वन माइनस में डब्ल्यू टू ओवर में डब्ल्यू वन प्लस में डब्ल्यू टू, ठीक है अब ये डब्ल्यू क्या है, वन क्या है बेटा पी वन है और डब्ल्यू टू क्या है पी टू है, ठीक है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि डब्ल्यू वन क्या होती है रेटिंग होती है, ठीक है दैट इज, ठीक है वाट मीटर वन ने कितना मेजर करा, वाट मीटर टू ने कितना मेजर करा, तो बस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है बहुत बेहतरीन, ठीक है तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है वो क्या होगा, वो होगा बेटा ऑप्शन ए, ठीक है बहुत बेहतरीन, ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है अब आता है डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है तो ये डिफरेंशिएशन का काम है, ठीक है तो अगर मैथ के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है तो उसमें इंटीग्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है इंटीग्रेशन सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है और डिफरेंशिएशन से सवाल देखने को मिले हैं, ठीक है अब बेसिकली जब बच्चा इन सबको सॉल्व करता है ना, ठीक है तो अगर बेसिकली विद्यार्थी को कॉमन कॉमन चीज़ें याद है, ठीक है तो वो अपनी कर सकता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है तो उन सब पे उन सब के बेस पे क्या 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 सवाल हो सकते हैं वो करते हैं, ठीक है सो डेरिवेटिव ऑफ करना है अपने को साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स ओवर में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ठीक है बहुत बेहतरीन, ठीक है तो जब बेटा इसको डेरिवेट करोगे ना, ठीक है तो इसको जो डेरिवेट करने के बाद, ठीक है जो आंसर होता है, ठीक है ये मिलेगा आपको बेटा माइनस में टू ओवर में, ठीक है वन माइनस में साइन टाइम्स ऑफ टू एक्स, ठीक है सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, बहुत बेहतरीन, ठीक है तो इसका क्या होगा बेटा ऑप्शन 3 होगा, ठीक है जो क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है इसको सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, ठीक है बहुत बेहतरीन, ठीक है अब आता है, ठीक है वेल्डिंग प्रोसेस से पूछा है, ठीक है वेल्डिंग प्रोसेस से, वेल्डिंग से क्वेश्चन एक सवाल पूछा है कि ठीक है द ऑक्सी एसिड
एसिटिलीन, ठीक है, द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस, द फॉलोइंग फ्लेम विल ऑब्टेन हाइएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, कौन सा ऐसा फ्लेम है जो क्या करता है हाइएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन करता है, ठीक है, तो इसका बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये ऐसे कि ऐसा फ्लेम होता है, ठीक है, जो क्या करता है हाइएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन करता है पूरे वेल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है, तो जो मेरा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें जो फॉलोइंग ये जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है वो हाइएस्ट टेम्परेचर क्या करेगा रीच करेगा, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है द लेथ स्पिंडल इज हैविंग, ठीक है, तो जो लेथ स्पिंडल होती है ना बेटा, ठीक है, उसमें क्या होती है, ठीक है, टेपर थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड या नो थ्रेड, ठीक है, तो जो लेथ स्पिंडल देखा हो ना आपने, ठीक है, अपने लेबोरेटरी में, ठीक है, या फिर अपने जहां भी आपकी वर्कशॉप्स होती है, ठीक है, जो लेथ स्पिंडल होता है ना उसमें क्या होती है एक्सटर्नल थ्रेड्स होती है, क्या होती है बेटा एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा 38 का बी, ठीक है, बेहतरीन आंसर, ठीक है। अब आता है फिर से बायोलॉजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है बार बार, ठीक है, तो बायोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख ले, ठीक है विद्यार्थी, क्योंकि बायोलॉजी के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सवाल आ रहे हैं, आपने सब जो पढ़ रखा है वो तो पढ़ ही रखा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, रिप्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं उसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, डीएनए से क्वेश्चन आ गया अपने पास, ठीक है। अब आता है सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, सिंड्रोम, ठीक है, मेलेरियम, पैलिंड्रोम और स्टिकी एंड्स, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ठीक है, इसका होगा बेटा पैलिंड्रोम, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड्स द सेम ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज पैलिंड्रोम, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशन इज प्लेस्ड, क्या क्या ऑप्शन है, देखो इन अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशन इज प्लेस्ड, ठीक है, पैरेलल टू डायमेंशन लाइन, इंक्लाइन टू डायमेंशन लाइन, परपेंडिकुलर टू डायमेंशन लाइन या बोथ पैरेलल टू, ऐसा सवाल देखने को मिला है, ठीक है, ये डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली उसी में आ जाएगा, ठीक है, तो 40 बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो अलाइनमेंट सिस्टम है ना, द अलाइनमेंट सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द डायमेंशन इज प्लेस, डायमेंशन तब प्लेस होता है जब परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, टू डायमेंशन लाइन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेजरमेंट पे, ठीक है, कि अपनी दो तरह की इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मूविंग कॉइल होता है, मूविंग आयरन होता है, ठीक है, जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग आयरन कॉइल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे मेजरमेंट का सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है, ठीक है, एक फॉर्मूला है उसके बेस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इजी फॉर्मूला है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं, ठीक है, कह रहे हैं एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है बेटा 10 ओम, बहुत बेहतरीन, ठीक है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है व्हेन करंट कैरिंग 50 एम्पियर, मतलब इसकी जो मीटर रीडिंग है, ठीक है, वो कितनी है बेटा 50 मिली एम्पियर, बहुत बेहतरीन, ठीक है, ये दो चीजें क्या है गिवन है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सीरीज एंड शंट रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू मेजर वोल्टेज अप टू 750 वोल्टेज एंड करंट अप टू 100 एम्पियर, ठीक है, तो कितना वैल्यू ऑफ शंट में लगेगा और कितना वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस लगेगा उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आर एम ओवर में, ठीक है, एम माइनस में वन, ठीक है, और जो सीरीज रेजिस्टेंस हम जो ऐड करेंगे, ठीक है, वो होगा, ठीक है, आर एम ओवर में, ठीक है, एम माइनस में वन, बहुत बेहतरीन सर, ठीक है, ऐसे इसको ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अब एम की जो वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो निकलेगी, ठीक है, आई जो मेजर करने अपॉन में मीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को करंट है, ठीक है, जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, वो भी 100, ठीक है, और अपॉन में, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट की है, ठीक है, वो कितनी है 50 मिली, ठीक है, इसको बेटा एम की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, आर एम की वैल्यू मेरे कितनी दी हुई है बेटा 10 ओम दी हुई है, ठीक है, तो जो आर एस निकलेगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा 20 अपॉन में, ठीक है, 100 अपॉन में, ठीक है, ये 0.05 आ जाएगा, ठीक है, माइनस पे 1, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बेटा 14.990 किलो ओम, ठीक है, यही ऑप्शन ठीक है, ठीक है, अगर ये ऑप्शन ठीक है तो हमने शंट रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है,
सॉरी ठीक है, जो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ठीक है वो कितना आ जाएगा ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज है शंट रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड ठीक है, जो शंट रेजिस्टेंस जो हम यहाँ से निकालेंगे ठीक है वो कितना निकालेंगे ठीक है, 15 × 10^10 ठीक है माइनस में 4 ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना शंट रेजिस्टेंस ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकता हूँ मैं सीरीज रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, लेकिन इसमें एम की वैल्यू क्या आएगी ठीक है, वोल्टेज जो मुझे मेजर करनी है अपॉन में ठीक है, जो मीटर की जो वोल्टेज है वो ठीक है, तो इससे क्या कर सकता हूँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ निकाल लो ठीक है, कंपटेटिव एग्जाम में यही एक ट्रिक होती है ठीक है, कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो ठीक है, एक कोई चीज़ सॉल्व कर लो ठीक है, आपको दो चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है ठीक है वो क्या अलग अलग है ठीक है। तो मैंने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली ठीक है, दैट इज 15 × 10^-4 ओम्स एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 41 ठीक है, जो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ठीक है वो क्या करेक्ट ऑप्शन है ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। अब आता है स्टील एंड कास्ट आयरन पाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ठीक है, अब क्या होता है स्टील और कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से ठीक है, तो ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका ठीक है। अब आता है द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज इंक्रीज्ड द चेंज इन द मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर रिस्पेक्टिवली ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है फिर से आया ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है ठीक है कि द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप इज इंक्रीज द चेंज इन मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर में चेंज कर रहे हैं एंड रिजॉल्विंग पावर रिस्पेक्टिवली ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन एमपीए एंड आरपी विल इंक्रीज ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 ठीक है, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन ये एक फेमस क्वेश्चन है ठीक है, ये आप आराम से जीके की बुक से पढ़ सकते हैं ठीक है। द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969 वाज प्रपोज्ड बाय ठीक है, ये किसने प्रपोज किया था ठीक है, तो विटेकर जी ने प्रपोज किया था ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन है ठीक है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44, बहुत बेहतरीन जवाब ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। अब आता है विच द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस एटम ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा है, अगर आप केमिस्ट्री बेटा पढ़ रहे हो ना ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, कि आप किसी भी एटम को किसी भी एलिमेंट को क्या करते हो उसको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करते हो ठीक है, एस पी डी इन सब क्या करते हो उसको कन्वर्ट करते हो ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है, अगर मैं ठीक है एक इनर्ट गैस को अगर उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 1s2 2s2 और 2p6 ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ठीक है वो होगा बेटा 43 ठीक है। ऐसे सवाल बेटा आपको देखने को मिलते हैं ठीक है, तो ये एक सही जवाब है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है ठीक है उसका जो ऑप्शन होगा ठीक है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फॉस्फोरस साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, जो फॉस्फोरस साइकिल है ठीक है वो किसके एग्जाम्पल होता है ठीक है, तो जो फॉस्फोरस एग्जाम्पल होता है ना ठीक है, ये सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल होता है ठीक है। तो फॉस्फोरस साइकिल किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, सेडिमेंट्री एग्जाम्पल होता है ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है। ऑल नीट में ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना ठीक है आते हैं पेपर में, और ऐसे क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे ना ठीक है, या फिर जो विद्यार्थी इस पेपर इस वीडियो को देख रहा है और नेक्स्ट ईयर पेपर देगा ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है, मतलब आप लिख लो इसके नोट्स बना लो ठीक है, इसके आसपास की चीजें नोट डाउन कर लो कि कोई क्वेश्चन होता है वो इसी से आता है ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ठीक है, एक मिनट हाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन है फिर से ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, तो बायोलॉजी अपनी थोड़ी पढ़नी चाहिए ठीक है। इसमें पूछा है ठीक है, असर्शन बेस का रीजन है ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियो टाइट चेंज इन डीएनए रिमेंस ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ठीक है, तो ये मेरा असर्शन है, और रीजन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एडेनाइन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद थाइमीन एंड गुआनाइन बॉन्ड्स विद काइटोसाइन रिस्पेक्टिवली, ऑलवेज अ प्यूरिन कम्स अपोजिट टू प्रीमाइड ऑफ प्री मिडाइन ऑफ डीएनए ठीक है, तो इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना बेटा ठीक है वो ये है ठीक है, कि इसमें बोथ ए एन आर आर ट्रू ठीक है, जो असर्शन दिया हुआ है और जो रीजन दिया हुआ है वो ठीक है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ठीक है, जो आर है ठीक है वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ठीक है, और डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हो ठीक है, डीएनए से पिछला क्वेश्चन भी आया था, डीएनए से ये वाला क्वेश्चन भी आया ठीक है, तो जो डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ठीक है, उस पर थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए आपको ठीक है, कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा ठीक है, ये स्पेशल काइंड ऑफ मशीन्स में पढ़ते हैं मैकेनिक्स में ठीक है, जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं ठीक है, तो सारी मशीन्स आती है ठीक है एट द एंड ऑफ चैप्टर, और उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना ठीक है, वो डायरेक्ट होता है कि जो एनमैक्स होता है ठीक है,
ठीक है, बहुत सारे सवाल बहुत सारे पढ़ते हैं हम, ठीक है। जब हम मशीन्स पढ़ते हैं ना, मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो स्पेशल मशीन्स होती है उसमें जिब क्रेन भी होता है, ठीक है, स्क्रू जैक भी होता है, ठीक है। जितनी मशीन्स होती है ना, ठीक है, वो हम एट द एंड ऑफ मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसके क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मेजर करते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं, हम उनके रिजल्ट्स ही पेपर में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनकी जो मशीन्स हैं, स्पेशल मशीन्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कंक्लूजन हैं, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो जैक्स क्रू हैविंग कोफिशिएंट ऑफ, इसका कोफिशिएंट दे रखा है बेटा, ठीक है, म्यू दे रखा है बेटा 10 phi, ठीक है। द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी बेटा वो होगी 1 - sin φ, ठीक है, अपॉन में 1 + sin φ, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। ऐसा बेटा ऑप्शन फोर्थ में दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, द वेट ऑफ H2C24 एंड H2O रिक्वायर्ड टू अपियर 500 ml ऑफ 0.2 सल्फर। बेटा केमिस्ट्री में क्या होता है, जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, ठीक है, तो केमिस्ट्री में ये सब जो सवाल होते हैं ना, कि मैंने 2 grams ऑफ ये डाला, 50 grams ऑफ ये डाला, ठीक है, और मैंने एक सोल्यूशन प्रिपेयर करा, ठीक है, तो सोल्यूशन के बेस पे जो मैं क्रिएट करता हूँ ना, ठीक है, जो भी सोल्यूशन में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बेस पे सवाल देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर लीड में मिले थे और इस लीड में भी ये बिल्कुल देखने को मिला है कि सोल्यूशन के बेस पे क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा बेटा, 12.6 grams, ठीक है, 12.6 grams इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन के बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कराए जाते हैं इसलिए क्वेश्चन में इस कराए जाते हैं, ताकि आप रेडी रहें इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि मैंने, ठीक है, H2CO4 × H2O रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.2 ml सॉल्यूशन, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, द BJT इज कनेक्टेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विल बी कट ऑफ मोड, ठीक है। अब क्या होता है, जो BJT होता है, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी लेटरल एंट्री में आ चुका है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो कह रहा है कि BJT है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, दीज आर द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, दैट वी हैव, ठीक है, बट, ठीक है, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, ठीक है, द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन एमिटर, कॉन्फ़िगरेशन किस में बेटा, कॉमन, ठीक है, तो वो कट ऑफ मोड में क्या होगा, ठीक है, मोड्स बेटा 3 तरह के होते हैं, ठीक है, दैट इज, ठीक है, एक होता है बेटा एक्टिव मोड, फिर होता है बेटा कट ऑफ मोड, और एक होता है बेटा सैचुरेशन मोड, ठीक है, दीज आर द मोड्स, ठीक है, दैट वी हैव, ठीक है। तो इन मोड्स में, ठीक है, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि BJT कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, तो ये कब कब मेरा किस में काम करेगा बेटा, कट ऑफ मोड में, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है ना, ठीक है, बता दिए जाते हैं, ठीक है, कि बेटा एक्टिव में कब काम करेगा, ठीक है, कट ऑफ में कब काम करेगा, सैचुरेशन में कब काम करेगा, ठीक है। तो सैचुरेशन में तब काम करता है बेटा, ठीक है, जब बोथ बेस एमिटर और कलेक्टर जंक्शन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, रिवर्स बायस होते हैं, ठीक है। जब आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, जब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस एमिटर और कलेक्टर एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स बायस कर दोगे, ठीक है, तो जो आपका जो BJT है वो किस में चला जाएगा, कट ऑफ मोड में चला जाएगा, ठीक है। ऐसी एक्टिव की भी रीजन, कट एक्टिव का भी केस होता है और सैचुरेशन का भी केस होता है, जो ध्यान में रखना चाहिए विद्यार्थियों को, क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि किस मैं कॉन्फ़िगरेशन में रखूंगा, ताकि मेरा जो मेरा BJT है, ठीक है, वो एक्टिव स्टेट में रहे, कट ऑफ स्टेट में रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट से बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट पे बेस्ड ये सवाल है, ठीक है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के, ठीक है, म्यूचुअल कपलिंग के बेस पे सवाल है, ठीक है, दो कॉइल्स से कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इफेक्टिव कपलिंग देयर इफेक्टिव इंडक्टेंस इज फाउंड टू बी एल इक्विवेलेंट, दिया रखा बेटा कितना, 10 henry, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन द कनेक्शन ऑफ कॉइल इज रिवर्स द इफेक्टिव इंडक्टेंस इज दिस, ठीक है, तो एक तो मेरा ये दे रखा है, ठीक है, और एक मेरे को दे रखा है बेटा 6 henry, इफ द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग इज 0.5, इफ द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग के इज दिस, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ कपलिंग कितनी दे रखी है बेटा 0.6, ठीक है। अब पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, क्या पूछ रहा है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, तो अगर इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये होता है बेटा सीरीज एडिंग, ठीक है, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो, ठीक है, ये होता है बेटा सीरीज अपोजिशन, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, तो ये सीरीज एडिंग और सीरीज अपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो होता है के टाइम्स ऑफ अंडर रूट
L1 माइनस में L2, ठीक है, ये क्या होता है व्हेन टू इंडक्टेंस, ठीक है, दो कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, और ठीक है एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें क्या होता है L1 और L2 की वैल्यू जब पता हो, ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक है, और ठीक है मैंने सीरीज एडिंग, ठीक है मैंने सीरीज अपोजिंग, ठीक है, तो इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और उस फॉर्मूले से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आएगा बेटा ए ऑप्शन, ठीक है, 1 हेनरी इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बेटा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू 1/4, ठीक है, एल इक्विवेलेंट माइनस में एल इक्विवेलेंट, ठीक है, 1/4 इधर रखा है, 10 माइनस में 4, ठीक है, 1 मिनट, कोफिशियंट ऑफ कपलिंग, इफ द कोफिशियंट ऑफ कपलिंग इज के 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया अपना, ठीक है, क्वेश्चन टॉप कपलिंग के 0.6 द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ठीक है, इसको सॉल्व करने का बेटा ऐसी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इस तरह से एक के एक फैक्टर होगा जो भी इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा जी, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 1 हेनरी, ठीक है, 1 मिनट देखो मुझे, अच्छा ये 6 दे रखा है ना बेटा, बहुत बेहतरीन, ये 6 दे रखा है, ठीक है, तो ये 1/4, 10 माइनस में 6, 4, ये बेटा 1 हेनरी आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया 1 हेनरी, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, द यूज ऑफ द आईसी इन द कंप्यूटर इज हैज, ठीक है, क्या कह रहा है, द यूज ऑफ आईसी इन अ कंप्यूटर हैज रिड्यूस इन साइज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है, ठीक है, वो क्या ऐसा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, कि द यूज आईसी का, ठीक है, कंप्यूटर में उसका क्या होता है, रिड्यूस इन साइज हो एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, नेक्स्ट आता है इन ड्रिलिंग ऑप्शन, कटिंग फ्लूड इज यूज टू, ठीक है, ड्रिलिंग ऑप्शन में क्या होता है, जो कटिंग फ्लूड होता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं टू कूल द वर्क, ठीक है, टू कूल द वर्क एंड ड्रिल, ठीक है, इसलिए करते हैं बेटा, ठीक है, वर्क को कूल करने के लिए और ड्रिल करने के लिए, बहुत बेहतरीन, ठीक है, 54th क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, इन हाउ मेनी ऑपरेशन अ टी स्लॉट इज मिल्ड, ठीक है, कितने ऑपरेशंस में क्या करता हूँ, जो टी स्लॉट होता है ना, ठीक है, उसको मैं मिल्ड करता हूँ, ठीक है, माइल्ड करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा 2 ऑपरेशन, ठीक है, कुल 2 ऑपरेशन में क्या करता हूँ मैं इसको, ठीक है, माइल्ड कर सकता हूँ, बहुत बेहतरीन, नंबर ऑफ फेसेस फॉर अ हेक्सा हेड्रॉन, ठीक है, कितने नंबर ऑफ फेसेस देखने को मिलते हैं हेक्साहेड्रॉन में, ठीक है, तो ये भी आपको, ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ भाई, ठीक है, इसको सवाल करने का बेसिक तरीका है, ठीक है, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ हेक्साहेड्रॉन, ठीक है, तो हेक्साहेड्रॉन में बेसिकली जो नंबर ऑफ फेसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो कितने देखने को मिलते हैं बेटा, 6 फेसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द आंसर की, ठीक है, ऑप्शन सी जो है, ठीक है, वो है, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि 4th हो क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 पॉलीगन हो गया, ठीक है, तो 6 अपना हो गया हेक्साहेड्रॉन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्वाइस द साइज ऑफ A4 पेपर, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, तो 56 जो दिया हुआ है ना बेटा, ठीक है, तो 56 का जो आंसर है, ठीक है, आंसर की में क्या है, आंसर की में मार्क किया हुआ है A3, ठीक है, लेकिन बेटा ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, जो आप प्रॉपर डायमेंशन देखोगे ना, ठीक है, प्रॉपर डायमेंशन अगर आप चेक करोगे ना नेट पे, ठीक है, तो अगर आप ट्वाइस करते हो A4 पेपर का, ठीक है, तो आपको A2 साइज मिलता है, क्या मिलता है, A2 साइज, ठीक है, तो बेस्ड अपॉन दैट ये क्या है, करेक्ट है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप क्लेम कर सकते हो, मतलब, ठीक है, क्योंकि अगर नेट पे भी देखा हमने, ठीक है, तो नेट पे हमने देखा कि अगर मैं A4 साइज का ट्वाइस करूँ, ठीक है, तो जो डायमेंशन आती है, ठीक है, वो क्या आती है, A2 की आती है, लेकिन जो पेपर है, ठीक है, जो जो एंटीरियर जो रिस्पॉन्स शीट रिजल्ट किया, ठीक है, जो शो किया, उसमें बेटा ऑप्शन बी को मार्क कर रखा है, ठीक है, तो इसको एक बार देखना, ठीक है, अगर आपका भी गलत है, ठीक है, तो आप इसको ना, ठीक है, चेक कर सकते हो, ठीक है, कि क्या साइज होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो, आप जो ऑब्जेक्शन है ना, ठीक है, उसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्शन बिकॉज दैट इज द रॉन्ग आंसर गिवन बाय द NTA, एंड यू कैन चेक ऑल्सो इन द गूगल दैट वट इज द ट्वाइस साइज ऑफ पेपर ऑफ A4, ठीक है, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 57, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है भाई, ठीक है, पिरामिड ऑफ अ नंबर इज ऑलमोस्टली अपराइट, ठीक है बेटा, पिरामिड ऑफ एनवाइजरी इज ऑलवेज, ये गलत है बेटा, ठीक है, पिरामिड ऑफ अ बायोमास वुड बी इन्वर्टेड इन केस ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ठीक है जी, ठीक है, एंड देर आर 3 मेन टाइप्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो एक ही रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज दी
ठीक है, दैट इज द आंसर. ठीक है, नाउ वी हैव इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द वेलोसिटी ऑफ अ टूल अलोंग द टूल फेस इज नोन एज. ठीक है, ये फिर से स्पेशल काइंड ऑफ मशीन से पूछा गया है. ठीक है, कि इन अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द वेलोसिटी टूल अलोंग द टूल फेस इज नोन एज, इसे कहते हैं बेटा चिप वेलोसिटी. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ठीक है वो इसका आंसर सही होगा. ठीक है, चिप वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, एक ऐसी वेलोसिटी होती है ठीक है अलोंग द टूल फेस. ठीक है, दिस बहुत बढ़िया. ठीक है, अब आया ठीक है अपना, ठीक है, फिजिक्स का सवाल आया बेटा जी. ठीक है, फिजिक्स में सवाल देखने को मिलते हैं. ठीक है, ट्रैवलिंग वेव से रिलेटेड. ठीक है, अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार अपार्ट आर 2.60 आउट ऑफ फेज. ठीक है, तो इसका इस क्वेश्चन का जो आंसर बेटा जो कैलकुलेट हुआ है ठीक है वो आ रहा है बेटा 0.11 मीटर्स. ठीक है, तो ये जो होगा ना इतना पार्ट होगा. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ठीक है कैलकुलेशंस ठीक है जो करी है मैंने, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है 0.11 ठीक है इज द आंसर. ठीक है, ये फिजिक्स से आया गया सवाल है और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, जो वेव्स होती है ना ठीक है प्रोग्रेसिव वेव्स है जिसका फ्रीक्वेंसी ये है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया ठीक है वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है. ठीक है, तो क्या कितना आउट ऑफ फेस वो जाएगी. ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वैल्यू ऑफ बाइनरी कोड 1011 एंड 1011. बहुत बढ़िया. ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, बहुत बेहतरीन. कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल है, बिल्कुल पता है. ठीक है, तो इसको चेक कैसे करेंगे. ठीक है, अब क्या है देखो बेटा, चार बिट का नंबर है. ठीक है, किसका नंबर है, चार बिट का नंबर है. ठीक है, तो पहला बिट क्या सिग्निफाई करता है 1, दूसरा बिट क्या सिग्निफाई करता है 2, ये क्या सिग्निफाई करता है 4, और लास्ट का जो बिट है वो क्या सिग्निफाई करता है 8. ठीक है, अब किस क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये क्या 8 2 2 11, एक तो बेटा 11 आ गया. ये क्या आ गया बेटा, ये हो गया 8 4 2 1. ठीक है, ये 8 4 12 14 15. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ठीक है वो 11 और 15. ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो होगा वो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRM. ठीक है, अगर बेसिक बेटर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में नंबर करने हैं, अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में नंबर स्कोर करने हैं तो बेटर जो फुल फॉर्म होती है ना ठीक है सभी की फुल फॉर्म है ना आपके मेमोरी में होनी चाहिए. ठीक है, फुल फॉर्म से हर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं और इस प्रीवियस ईयर में और अभी भी एग्जाम आया दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRM. ठीक है, इसका बेटा सिंपल ठीक है बहुत बच्चों विद्यार्थी को पता भी होगा, बहुत विद्यार्थी को सही भी हुआ है, दैट इज स्टैंडिंग स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ वी हैव देखो फिर से मैंने क्या कहा था, ज़ेनर डायोड से क्वेश्चन आएंगे, डायोड से क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो डायोड बेटा बहुत ही मतलब कहते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ते हो. ठीक है, ठीक है, अब आता है इन ज़ेनर डायोड व्हेन डायोड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट इज यूज्ड एज़. ठीक है, तो आपको पता होगा ठीक है बहुत सारे विद्यार्थियों को ठीक है कि जो ज़ेनर डायोड होता है ठीक है वो ऑपरेटिंग कब करता है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में. ठीक है, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, कि जो ज़ेनर डायोड है ठीक है वो ऑपरेटिंग कब करता है, वो ऑपरेट करता है कब, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में. ठीक है, सो ऑप्शन ठीक है दिस. ठीक है, अब फिर से बेटा एक सवाल पूछा गया है ठीक है बायोलॉजी का. ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल है ठीक है क्वेश्चन नंबर 63. ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हमने निकाला है ठीक है वो ये है. ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द माइटोसिस का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है वो क्या होगा. ठीक है, तो बहुत बढ़िया. ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर की निकाला है ठीक है वो होगा सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जो हमने रिस्पॉन्स शीट में कैलकुलेट करा है ठीक है, जो कैलकुलेट भी करा है ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आया ठीक है वो है ठीक है सेकेंड ऑप्शन. ठीक है, सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नाउ वी हैव ठीक है क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिक्स. ठीक है, मैकेनिक्स से सवाल पूछा गया है. ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है. ठीक है, और ये सवाल तो बहुत बार पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है मैकेनिक्स का. ठीक है, तो जिसने मैकेनिक्स के नोट्स अच्छे से बनाए होंगे ना उसको तो ये सीधा सीधा पता होगा ठीक है किसका आंसर क्या होगा. ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा. ठीक है, द यंग मॉड्यूलस. ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा, यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल इज गिवन बाय ई. ठीक है, यंग मॉड्यूलस दे रखा है बेटा ई. ठीक है, पॉइजन्स रेशियो दिया बेटा म्यू से. इफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय ठीक है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दी हुई दिस. ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा बिटवीन यंग मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब लीड के एग्जाम में देखने को मिले हैं. ठीक है, और इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है ई इज इक्वल टू में 2g/(1+μ). ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दैट ठीक है सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसको टिक कर सकते हो. ठीक है, तो ये सवाल है. ठीक है, तो मैकेनिक्स में जो मैंने देखा है अभी के जो पैटर्न में ठीक है मैकेनिक्स में इलेक्ट्रिकल के तो कुछ क्वेश्चन थे जिसको मेरे को सॉल्व करना था, लेकिन
मैकेनिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन जो क्या होते हैं ना कि ना नोट्स में हम सीधा सीधा लिखवा देते हैं, ठीक है, कि बेटा अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल दिया हुआ है, पॉइजन रेशो दिया हुआ है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं कैसे रिलेशन होगा इन सबके बीच, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पेपर में क्या होते हैं बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, ठीक है, फिर से बेटा बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो बायोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए, एटलीस्ट मैंने 5 से 6 क्वेश्चन देख लिए अभी तक बायोलॉजी के, ठीक है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं और डीएनए से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है, फ्लावर से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन सब पे अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छी कमांड करो, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लाई इज कॉल्ड कैरो, ये सही है बेटा, ठीक है, एंड सिमिलरली फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ ट्यूब मोटाइल एनवलप, ठीक है बेटा, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर टू, ठीक है, तो जो 65 होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 66, अ बीम इज सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग द स्ट्रेस अलॉन्ग द प्लेन पासिंग थ्रू न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, तो कितना स्ट्रेस पास होगा न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है ना बेटा, ठीक है, सिंपल लिखा है 0, ठीक है, 0 स्ट्रेस पास होता है न्यूट्रल एक्सिस से, न्यूट्रल एक्सिस से कोई स्ट्रेस पास नहीं होता, ठीक है, बहुत बेहतरीन। विच ऑर्गेनिजम्स लैक अ सेल वॉल कंप्लीटली, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लैक करता है सेल वॉल को कंप्लीटली, ठीक है, तो ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, पूरी तरह से लैक करता है किसको, सेल वॉल को, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, तो बायोलॉजी से जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पूरे पैटर्न में क्या हिसाब किताब है कि अच्छा क्वेश्चन, अच्छा वेटेज है बायोलॉजी का, ठीक है, कम से कम पूरे पेपर में बात करूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ गया बेटा, ठीक है, द 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स, ठीक है, एंड द ऑटोलिथ इन ईयर टुगेदर फॉर्म्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो पूछा गया है, ठीक है, इसका जो आंसर होगा ना, ठीक है, वो होगा वेस्टिबुलर अपरेटस, ठीक है, वेस्टिबुलर अपरेटस क्या होता है, ठीक है, जो हमें पाया जाता है कानों में, ठीक है, तो जो 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड ऑटोलिथ इन ईयर्स टुगेदर फॉर्म, ठीक है, तो जो फॉर्म करते हैं ना, ठीक है, इसे ये जो फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं वेस्टिबुलर अपरेटस, ठीक है, तो ये 68 हो गया, ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है, वेल्डिंग से क्वेश्चन है, ठीक है, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी नियरली इक्वल टू, ठीक है, जो आर्क लेंथ होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ आर्क लेंथ की, तो जो आर्क लेंथ होगा ना, ठीक है, वो डी के बराबर होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि आर्किंग, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस में जो आर्क लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, ठीक है, जो डी होता है किसके बराबर होता है, ठीक है, वे डी इज द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो जो आर्क लेंथ होगी वो क्या होगी, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड के बराबर ही होगी, ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, फिर से बेटा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और किसके और किस पे बेस्ड है, डायोड पे बेस्ड है, ठीक है, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पी एन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, द बैरियर पोटेंशियल होता है किसका, पी एन जंक्शन का, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, डायोड इज अ पी एन जंक्शन डिवाइस, ठीक है, डायोड क्या, पी एन जंक्शन डिवाइस है, ठीक है, दैट इज अ पी एन, दैट इज एन, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, मेरा बीच में क्या होता है, ठीक है ना, बैरियर होता है, इसके बीच एक फिक्टिशियस वोल्टेज होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं 0.7 वोल्ट, और 0.3 भी होती है फॉर जर्मेनियम एंड फॉर सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट, ठीक है, एक फिक्टिशियस बैटरी है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है, और अगर डायोड को कंडक्ट करना है तो इसको इसको ओवरकम करके फ्लो होना होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब कह रहा है जो बैरियर पोटेंशियल है, ये जो बैरियर पोटेंशियल है पीएन जंक्शन का, वो किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो बेटा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस तरह का सेमीकंडक्टर डिपेंड, किस तरह का सेमीकंडक्टर यूज करो उस पे डिपेंड करता है, किस तरह की डोपिंग कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा 1, 2, 3, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, ठीक है। द सेलियंट फीचर ऑफ जेनेरिक कोड इंक्लूड्स, ठीक है, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड आ गया बेटा, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, दैट व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड का ठीक है क्या फीचर होगा, ठीक है, तो इसका सिंपल ऑप्शन होता है, ठीक है, तो इसका जो ये है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ए सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द आंसर की, ठीक है, और जो हमने रिजल्ट कैलकुलेट करा है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड, ठीक है, जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो क्लियरेंस होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, इस प्रोवाइडेड ऑन पंच, ठीक है, पंच में क्या होता है, ठीक है, जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है उसमें जो क्लियरेंस होता है ना, वो प्रोवाइड किया जाता है किसके ऑन, किसमें, पंच में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसलिए उसका जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, ठीक है, वो होगा क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन स्टेट, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसलिए क्लास, जब हम क्लास रूम में ना
जब आप पढ़ते भी हो ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है, रिडक्शन स्टेट ठीक है, सबका पता होना चाहिए ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है। द इंडक्शन स्टेट ऑफ सीआर ठीक है इन के टू सी आर टू ओ सेवन इज ठीक है, तो जो रिडक्शन स्टेट आएगा ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा ठीक है, वो आएगा प्लस सिक्स ठीक है। सो दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट दैट वी आर गेटिंग। चलिए बढ़ते हैं बेटा ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ठीक है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना बेटा ठीक है। तो जो डोडो होगा ठीक है वो मैच करेगा इससे ठीक है, जो वागो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एफ से ठीक है, जो सी है थैलेमस वो करेगा ऑस्ट्रेलिया से, और जो ऑस्ट्रेलिया सी का हो रिप्रेजेंट करेगा एशिया से ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना बेटा वो होगा डी ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है, और ये इसको मैच भी कर रहा है ठीक है। सो आप इससे सवाल कर सकते हैं ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डायो एटोमिक गैस डज 200 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपेंडेड आइसोबारिकली, व्हाट इज द हीट गिवन टू गैस टू द प्रोसेस ठीक है, कितना हीट जो होगा ना ठीक है वो मैं दिया जाऊंगा ठीक है पूरे प्रोसेस में। व्हाट इज द हीट गिवन, व्हाट इज द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में जो गैस है ना ठीक है उसको मैं कितना हीट दूंगा ठीक है। तो इसका जो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ठीक है वो आएगा 700 जूल ठीक है। कैलकुलेट करना ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पे बेस ये सवाल है ठीक है ठीक है, तो इसको आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है, बेहतरीन ठीक है। नाउ हैमिंग इज द ऑपरेशन ठीक है, हैमिंग बेटा क्या क्या होता है, एक तरह का ऑपरेशन होता है ठीक है। तो जो हैमिंग है ना ठीक है, ये किस तरह का ऑपरेशन है ठीक है, पेपर ने पूछना है कि हैमिंग इज द ऑपरेशन इन विच, हैमिंग इज द ऑपरेशन इन विच द एजेस ऑफ शीट मेटल आर टर्न्ड ओवर टू प्रोवाइड स्टिफनेस एंड स्मूथ एज ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है ठीक है वो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है, बहुत बेहतरीन। नाउ सिलेक्ट द ऑड वन आउट ठीक है, इसको क्या करते हैं सिलेक्ट द ऑड वन आउट ठीक है। तो किन में से ये सारा चीज अलग है ठीक है, स्विच प्लॉटर हब राउटर ठीक है। तो देखते पता चल रहा है कि जो प्लॉटर है ठीक है ये क्या है ठीक है, इन सभी डिवाइसेस से क्या अलग है ठीक है। तो जो ऑड वन आउट होगा ठीक है, ये रीजनिंग में पूछा जाता है सिलेक्ट द ऑड वन आउट ठीक है। तो यहाँ कंप्यूटर की चीजें पूछी गई है कि इन सब में से ठीक है ऑड वन आउट क्या है ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ठीक है वो होगा प्लॉटर ठीक है। कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ठीक है। मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं ठीक है, मैकेनिक्स में जब हम फ्रिक्शन से डील करते हैं ठीक है, तो उसमें आता है कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन ठीक है। क्या आता है कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन ठीक है, जो कोफिशियंट ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन होता है ना वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन कोफिशियंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। ये मेरा डायरेक्ट सवाल है ठीक है, और ये नोट्स में जरूर मिलेगा आपको ठीक है। अगर आप मैकेनिक्स पढ़ते हो ठीक है, तो आप किसी किताब से पढ़ते हो, किसी टीचर से पढ़ते हो ठीक है, तो वो एक चीज़ ये चीज़ जरूर लिखवाता है कि जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है किससे, कोफिशियंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन से ठीक है। ये चीज़ हमने पूरी लिखवा रखी है, ये तो मुझे पूरा आइडिया है ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। अब आया ठीक है, किससे आया ठीक है, अब आया फिर से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से ठीक है, दैट इज ठीक है। पी टाइप सेमी कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग जर्मेनियम विद ठीक है। अब क्या होता है डोपिंग, क्या होता है ठीक है, जब हम बात करते हैं क्या होती है डोपिंग ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डोपिंग, सो डोपिंग मीनिंग ऑफ डोपिंग इज एडिंग इम्प्योरिटी ठीक है। हम क्या करते हैं डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी को ऐड करना ठीक है। अब सर इम्प्योरिटी को ऐड करा क्यों जाता है, इम्प्योरिटी को ऐड इसलिए करा जाता है ताकि मैं जो भी मेरा सेमी कंडक्टर है ठीक है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा सकूँ ठीक है। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ ठीक है, ताकि कर सकूँ मैं उस टाइप की उस सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा सकूँ ठीक है। मेरे पास क्या होते हैं ठीक है, प्योर सेमी कंडक्टर होता है, उसको डोप्ड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर ठीक है। अब इम्प्योर सेमी कंडक्टर ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है, इम्प्योर सेमी कंडक्टर मिलता है ठीक है। तो अगर ठीक है पी टाइप सेमी कंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग जर्मेनियम विद बोरोन ठीक है, बोरोन ठीक है सर डोप करोगे ना ठीक है, तो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा ठीक है। तो दैट इज द डायरेक्ट क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 80 ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन। तो आपने देखा होगा स्प्रेडशीट देखी होगी आपने बेटा, स्प्रेडशीट क्या होती है ठीक है, जो भी आप स्प्रेडशीट क्रिएट करते हो ठीक है, उसमें आप न्यूमेरिकल चीजें भी कर सकते हो और स्टैटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हो ठीक है। स्टैटिक्स देखे होंगे आपने, स्प्रेडशीट बनाते हो ठीक है, तो आप सारी न्यूमेरिकल वैल्यू तो परफॉर्म कर ही सकते हो, लेकिन स्टैटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हो ठीक है, बहुत बेहतरीन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ सिलेंड्रिकल व्हेन द डायमीटर इज स्मॉलर देन द हाइट ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ अ सिलेंडर व्हेन डायमीटर इज स्मॉलर देन हाइट ठीक है, जब जो डायमीटर है ठीक है वो क्या है छोटा है किससे, हाइट से ठीक है, तो वो क्या बनेगा बेटा ठीक है, वो सिंपली क्या बनता है रेक्टेंगल बनता है, क्या बनता है रेक्टेंगल ठीक है। तो क्या बनेगा रेक्टेंगल बन जाएगा, बहुत बेहतरीन ठीक है।
नाउ वी हैव, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन से बेटा, ठीक है, मशीन से क्वेश्चन है, ठीक है, इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर है, ऐसे सवाल देखने को मिले हैं, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लग रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं बेटा कैसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन मशीन्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इंडक्शन मोटर तो देखना, ठीक है। इफ एन ईएमएफ ऑफ स्टेटर ऑफ अ पोल्स दिया हुआ है बेटा, 8 नंबर ऑफ पोल्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्स, ठीक है, बहुत बेहतरीन। रोटर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना बेटा, 1.5 हर्ट्स, द स्लिप एंड रोटर हर्ट्स, ठीक है, क्या पूछा है बेटा, स्लिप, ठीक है, तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है बेटा एस टाइम्स ऑफ एफ, ठीक है, बहुत बेहतरीन। रोटर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी 50, तो यहाँ से क्या निकाल लूंगा मैं, स्लिप निकाल लूंगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 5 × 15 = 50, ठीक है, तो स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.03, मतलब जो मेरा स्लिप आया वो कितना है, 3% आया, ठीक है, स्लिप कितना है, 3% है, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्या आपको स्पीड निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि स्पीड में क्यों निकालू भाई, जब मैंने स्लिप ही निकाल लिया तो मैं स्पीड क्यों निकालूँ, ठीक है, तो यहाँ से सीधा निकल जाता है सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, फिर से बेटा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, मतलब कहते हैं ना ट्रांजिस्टर से सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, डायोड से क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, ये सारे, ठीक है, और जो मोड्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स के, ठीक है, कौन से मोड्स ऑपरेशंस के होते हैं वो पूछा गया है, ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ठीक है, ये सारे पूछे गए हैं आपके, ठीक है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब डील कर रहे हो तो डायोड्स, ट्रांजिस्टर, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, डोपिंग, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब पढ़ लो, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर एम्पलीफिकेशन, अगर आपको एम्पलीफाई करना है सिग्नल को, तो आपको जो ट्रांजिस्टर होगा वो किस में ऑपरेट करेगा, सिंपल है ऑप्शन, ठीक है, अगर आपको आपको आप फॉर एम्पलीफिकेशन जो ट्रांजिस्टर होगा वो हमेशा किस में ऑपरेट करेगा, एक्टिव रीजन में, ठीक है, हमेशा एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा, ठीक है, ठीक है, हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं एक्टिव रीजन में ताकि क्या कर सके, हम उसको एम्पलीफाई कर सके, ठीक है, तो ये जब हम बीजेटी पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो बीजेटी में हम पढ़ते हैं एम्पलीफिकेशन, ठीक है, तो जब हम एम्पलीफिकेशन पढ़ते हैं ना, तो डायोड को क्या करना पड़ता है, एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 को जब आप इस कोड को रन करोगे ना बेटा, ठीक है, तो जो आंसर आएगा, ठीक है, वो है वेलकम, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। नाउ वी हैव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 फॉर द यूलर कॉलम, इफ द लेंथ ऑफ कॉलम इज गिवन बाय एल, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एज आई, यंग मॉडुलस एज ई, व्हाट इज द क्रिपलिंग लोड इन टर्म्स ऑफ ई एल ई आई एन एल फॉर द कॉलम विद बॉन्ड्स विद बोथ द एज विद बोथ दी एंड्स हिंज, ठीक है, मतलब क्या कर रखा है मैंने, हिंज ज्वाइंट कर रखा है, ठीक है, तो जो मेरा क्रिपलिंग लोड होगा, ठीक है, क्या होगा बेटा, क्रिपलिंग लोड, ठीक है, तो क्रिपलिंग लोड होगा, ठीक है, वो होगा बेटा मेरा पाई स्क्वायर इंटू में ई एल ई आई, सॉरी ई आई इनर्शिया अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है, सो बेटा ऑप्शन टू जो होगा वो क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो मैकेनिक्स में या फिर, ठीक है, सोम में जो मैंने देखा, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। नाउ, ठीक है, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ से क्वेश्चन है, ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू जीरो लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई एंड एफ ऑफ माइनस ई, ठीक है, क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ ई निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस ई, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करा जाएगा, ठीक है, कि एफ ऑफ ई क्या आएगा, ठीक है, प्लस में एफ ऑफ वन अपॉन ई, ठीक है, जब बेटे इसको कैलकुलेट करोगे ना, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, 1/2, ठीक है, इसका 1/2 आंसर है, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आंसर की, ठीक है, आर कैलकुलेशंस, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। नाउ वी हैव, ठीक है, अ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 8 cm³/s, ठीक है, बहुत बेहतरीन, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 12 cm, ठीक है, तो सिंपल क्या है, ठीक है, आप वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इंक्रीजिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इंक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो है 8/3 cm/s², ठीक है, क्या आएगा, 8/3 cm/s², ईजी क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ईजिली आ जाएगा, ठीक है। नाउ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अगर मैं अलग अलग टोनी से बात करूँ, ठीक है, तो फिर से एक आसान सा क्वेश्चन आया, ठीक है, बूस्टअप कर देता पूरा, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, सामान्य क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हो, एट रूम टेम्परेचर जो बैंड गैप होता है सिलिकॉन का वो कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है, किसमें होता है, 1.1 इलेक्ट्रो वोल्ट, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। नाउ वी हैव, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज फॉर अ लिफ्टिंग मशीन इज गिवन बाय, ठीक है, जो मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है, वो मैकेनिकल एडवांटेज गिवन होता है, ठीक है, लोड लिफ्टेड, आपने कितना लोड लिफ्ट करा है, अपॉन में आपने कितना एफर्ट सप्लाई करा है, ठीक है, आपने कितना एफर्ट सप्लाइड करा है, ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज किससे रिप्रेजेंट होता है, लोड लिफ्टेड अपॉन में,
ठीक है, एफर्ट सप्लाई, ठीक है, सो जो ऑप्शन थ्री है ठीक है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, और किससे क्वेश्चन है, कार्बन एंड कंपाउंड्स बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, दैट, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग द फॉलोइंग इज, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो होता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो मिलता है, ठीक है, वो किससे मिलता है आपको, ट्रिपल बॉन्ड से मिलता है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में है, ऑप्शन सी में, ठीक है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90 डन, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 91, इन अ लेथ द स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन, किस ऑपरेशन पे जो मेरा स्पीड होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, तो जो सबसे कम जो स्पीड होती है वो होती है थ्रेड कटिंग पे, थ्रेड कटिंग पे बेटा जो लेथ मशीन में जो स्पीड होती है ना वो सबसे कम होती है, ठीक है, इसलिए ये जो चीजें है ना लेथ मशीन जो है ना, ठीक है, उसमें जो स्पिंडल स्पीड है वो क्या क्या चीजें हो रही है उसको जरूर देखना, ठीक है। नाउ वी हैव अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक बहुत बेसिक हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, 20 ओम रेजिस्टेंस दिया है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ नॉन रेजिस्टेंस आर, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, द पावर लॉस इन आर इज, ठीक है, पावर लॉस दे रखा है बेटा किसमें, आर में, ठीक है, आर में पावर लॉस दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर विल बी, ठीक है, द पावर लॉस इन आर इज 50 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू बताओ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, बहुत बेहतरीन, 22 ठीक है, नोटेशन, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है इसमें, ठीक है, आपने आपको आपको सबसे पहले पता होगा कि ना, ठीक है, जो मेरी वोल्टेज V1 है, ठीक है, ये V1 प्लस में V2 में डिवाइड होगी, मुझे पता है, बहुत बेहतरीन, ये V1 में डिवाइड होगी प्लस में V2 में डिवाइड होगी, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ठीक है, 20 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड में सीरीज द नॉन रेजिस्टेंस R एंड कनेक्टेड अक्रॉस 20 वोल्ट सप्लाई, ठीक है, द ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, अब इसने क्या रखा था, पावर लॉस दे रखा है किसमें, ठीक है, पावर लॉस इन R इज 50 वोल्ट, ठीक है, क्या दे रखा है मेरे को, पावर लॉस दे रखा है, ठीक है, पावर लॉस दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, सीरीज सर्किट है, ठीक है, तो पावर लॉस क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर इनटू में आर, ठीक है, अब क्या दे रखा है, ठीक है, आर में दे रखा है, ठीक है, तो मुझे करंट की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, तो यहां से ये तो लगेगा नहीं, ठीक है, बेहतरीन, चलो ठीक है, फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, ठीक है, 220 वोल्ट है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, पी आर, ठीक है, पी आर का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस आर इंटू में आई, ठीक है, दोनों चीज़ मुझे मेंशन नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा, ठीक है, 20 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वी वन ड्रॉप होगा, ठीक है, और करंट की वैल्यू मुझे पता करनी है, ठीक है, तो वी वन जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, 20 इंटू में आई, बहुत बेहतरीन, वी टू जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आई इंटू में, ठीक है, ठीक है, मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आर विल बी, वैल्यू ऑफ आर क्या होगी, होनी चाहिए, ठीक है, उसे कैलकुलेट करा जाए सर, बिल्कुल, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल टू V1 प्लस में V2, ठीक है, V दे रखा है मेरे को 220 वोल्ट, ठीक है, I मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, 20 प्लस में R, ठीक है, तो मुझे R की वैल्यू पता होनी चाहिए और I की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, एक ना एक चीज़ तो मुझे पता होनी ही चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना कुछ एफर्ट नहीं लगाना, ठीक है, ठीक है, एक मिनट चेक करते हैं, ठीक है, पी आर इज इक्वल टू में, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस वी भी नहीं पता है हमें, ठीक है, वट इज द वोल्टेज अक्रॉस वी, ठीक है, एंड कनेक्टेड द पावर लॉस इन आर इज 50 वॉट्स का पावर लॉस हमें दे रखा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, इसको सॉल्व करके, ठीक है, जब मेरा आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो जो मेरा आंसर आएगा कैलकुलेट करके, ठीक है, कैलकुलेट जब मैं करूंगा, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा मेरा, ठीक है, वो कितना आ रहा है, ठीक है, 92 किस ऑप्शन में आना चाहिए, 20, ठीक है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 इसका आंसर बेटा 928 और 0.5 ओम्स आएगा, एक बार चेक करना, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ पढ़ते हैं, हाउ इज द डेटा स्टोर्ड इन द डिस्क किट, ठीक है, डिस्क किट में जो मेरा डेटा होता है वो स्टोर कैसे होता है, ठीक है, तो वो जो डेटा जो स्टोर होता है ना बेटा, वो किसकी वजह से स्टोर होता है, वो होता है मैग्नेटिज्म की वजह से स्टोर, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, कौन सा क्या है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, तो देखने से पता चल रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, वीडियो जो है बेटा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड पर क्या करते हो, आप इनपुट करते हो, ठीक है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है,
माउस क्या बेटा, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो होता है ठीक है, उससे भी क्या करते हो आप लिखते हो ठीक है, लेकिन जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है ठीक है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक यही आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे क्या इनपुट डिवाइस है ठीक है भाई जी। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप इज डन बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग ठीक है। ये किससे बेस्ड होता है बेटा, ये स्पिंडल पे बेस्ड होता है ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है, क्योंकि जो मिलिंग मशीन होती है ठीक है, उसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप को करूँ ना ठीक है, तो जो पोजिशन होती है वो स्पिंडल के थ्रू निकालते हैं ठीक है। नाउ ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ठीक है, सिंपली क्वेश्चन है ठीक है, ब्रिज पे बेस क्वेश्चन है ठीक है, तो मेजरमेंट से भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं ठीक है। तो ब्रिज पे बेस क्वेश्चन है, द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो यूजिंग थेवेनिन थ्योरम ठीक है। अब थेवेनिन थ्योरम का यूज करके करना है, क्या निकालना है ठीक है, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस निकालना है ठीक है। तो जब बेटा मैं थेवेनिन थ्योरम्स की बात करता हूँ ठीक है, तो जब मैं थेवेनिन थ्योरम की बात करूंगा ठीक है, तो जो करंट आया किसमें ठीक है, 10 ओम के क्रॉस ठीक है, 10 ओम दिया हुआ है ठीक है ये ठीक है। तो अगर थेवेनिन निकालना है ठीक है, तो अगर थेवेनिन निकालना है तो सबसे पहले क्या करो, इसको हटा दो, इसको हटा दोगे तो सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या होगा कि वोल्टेज निकालो, वोल्टेज अक्रॉस ए बी ठीक है। तो आपकी वोल्टेज अक्रॉस जो ए बी है ठीक है, वो क्या आ जाएगी, वी टी एच ठीक है। फिर क्या करो, अगर आपको आर टी एच निकालना है ठीक है, आर टी एच निकालने के लिए क्या करो ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, बस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ठीक है। क्योंकि जब मैं थेवेनिन पढ़ाता हूँ ठीक है, तो थेवेनिन इज थेवेनिन में का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट रेशियोस निकाल रहे हो तो जो वोल्टेज होता है ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम शॉर्ट कर देते हैं ठीक है, और जो करंट सोर्स होता है उसे करते हैं हम ओपन कर देते हैं ठीक है। तो सारी चीज़ें वैसी रहेगी ठीक है, आप इसके अक्रॉस का करो, ए बी के अक्रॉस का निकाल दो, रेजिस्टेंस निकाल दो ठीक है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालो, वो क्या होगा आपका आर टी एच ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है, जो करंट आएगा वो आएगा 96.95.6 एम्पीयर ठीक है। ये आएगा बेटा वी टी एच, ये आएगा आपका आर टी एच ठीक है। फिर बस कुछ मत करना, जो लोड रेजिस्टेंस है 10 ओम उसे कनेक्ट कर देना और अपना निकाल देना ठीक है, बेहतरीन ठीक है। अब आता है ठीक है फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड ठीक है। देखो डायोड से कितने सवाल आ रहे हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं डायोड से ठीक है। अब डायोड मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग में बताया था ठीक है, व्हेन डायोड इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल ठीक है। डायोड है ठीक है, ये इसका पी होता है, ये एन होता है ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये इसका एनोड होता है, ये इसका कैथोड होता है ठीक है। सो व्हेन द एनोड इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल, द डायोड इज नोन एज अ फॉरवर्ड बायस ठीक है। तो डायोड क्या है फॉरवर्ड बायस में कब होगा ठीक है, देखो ये क्या है माइनस 5 वोल्ट, ये क्या है प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे क्या है जो हायर पोटेंशियल है किस तरफ है, कैथोड की तरफ है, तो ये तो बेटा होगा नहीं ठीक है। माइनस 5 और 4 ये भी नहीं होगा बेटा ठीक है। प्लस 3 और 6 वोल्ट, यहाँ पे हायर पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी जब चेक करोगे तो हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल ऑफ डायोड ठीक है, एंड जो नेगेटिव जो लोअर पोटेंशियल है माइनस 1 वोल्ट ठीक है, जो लोअर पोटेंशियल है ठीक है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, वो कैथोड पे कनेक्टेड है ठीक है। तो ये जो डायोड होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा ठीक है। ऐसे सवाल पूछते हैं ठीक है ठीक है। और पेपर में ये भी सवाल पूछ सकता है कि रिवर्स बायस कब होगा ठीक है। नाउ द स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर प्रेजेंट ठीक है। जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो वो मियांड्रिना में प्रेजेंट होते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है ठीक है, इस पर अभी जो हमारे जो विद्यार्थियों ने मार्क करा था आंसर ठीक है, इसको सी प्रोग्रामिंग में चला के देखा ठीक है, टर्बो सी पे रन करके देखा ठीक है। तो जब टर्बो सी पे जब हमने रन करके देखा ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा था ठीक है, वो क्या आ रहा था बेटा, कंपाइल एरर आ रहा था इसका आंसर ठीक है। क्या रहा था बेटा, कंपाइल एरर आ रहा था, लेकिन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है। ये क्या रहा था, करेक्ट आंसर है ठीक है। तो इसको बेटा देख सकते हो ठीक है, इस कोड को एक बार रन करो, टर्बो सी पे देखो कि क्या क्या कंपाइलेशन एरर आ रहा है नहीं आ रहा ठीक है। मार्क तो बेटा ये कर रखा है ठीक है, मार्क तो ये कर रखा है, लेकिन जब विद्यार्थियों ने इस कोड को रन करके देखा, तो जब रन करके देखा तो ठीक है, मार्क्ड बाय एनटीए, एनटीए ने तो ये मार्क कर रखा है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो कंपाइलेशन। जब आप इस कोड को रन करोगे तो आपका कंपाइलेशन एरर आ रहा है ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ठीक है क्या क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो, लेकिन एक बार चेक जरूर करना ठीक है। नाउ वी आर टूवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टू गुड ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट पीक फैक्टर इन एसी वेव हैज एन इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेस डेवलप्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल एज द स्ट्रेस आर अ फंक्शन ठीक है। जो स्ट्रेस होता है ठीक है, वो किसका फंक्शन होता है, तो जो स्ट्रेस होता है ना, आर द फंक्शन ऑफ
क्रेस्ट वैल्यू ऑफ अ वेव, वो किसका फंक्शन होता है बेटा, क्रेस्ट वैल्यू ऑफ अ वेव होता है, ठीक है। सो यहां से अब तक हमने देख लिया कि हमने देखा इलेक्ट्रिकल के सवाल देखे, हमने मैकेनिक्स के सवाल देखे, ठीक है, हमने केमिस्ट्री के सवाल देखे, हमने बायोलॉजी के सवाल देखे, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल देखे, बहुत क्वेश्चन देखे, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का जो एनालिसिस होता है ये होता है कि आपको सब चीज कवर करनी पड़ेगी, आपको बायोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। और इस पूरी कोचिंग के दौरान हम यही सब पढ़ाते हैं, ठीक है। ये अगर आप प्रीवियस पेपर का पैटर्न देखोगे ना, तो आप बहुत ये मान के चलोगे कि 80-90% क्या होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न और अपने जो नोट्स जो हम बता रहे हैं, ठीक है, उससे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कोचिंग में इनरोल करते हो, ठीक है, या कभी भी इनरोल करते हो, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो पेपर का जो पैटर्न है, ठीक है, वो कितना सिमिलर है, ठीक है, कि जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हम प्रोवाइड कराते हैं सारी चीजें आपको, ठीक है, कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इवन टेस्ट सीरीज में जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट उठ के यहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को यूपीसीटी, आईपीयू लीड, डीटीयू लीड, ठीक है, किट्टी लीड, इन सभी लीड, हरियाणा लीड की तैयारी करनी है, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनाइज वे में तैयारी करें, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर का पैटर्न चेक करें, उसका सिलेबस उसे कवर करें, ठीक है, कोचिंग में इनरोल करके देखें, वहां का सिलेबस चल रहा है वो देखें, टेस्ट सीरीज में इनरोल करके देखें कितना स्कोर आ रहा है वो चेक करें, इन सभी से क्या होता है आपका एक परफेक्ट एनालिसिस होता है, ठीक है। इस पूरे के पूरे यूपीसीईटी के पेपर में क्या हुआ, इस पूरा पेपर था, ठीक है, इसमें आपको हर तरीके के सवाल देखने को मिले, ठीक है, हर तरीके के, मैं कहूंगा कि, ठीक है, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल भी मिली, मैकेनिक्स भी मिली, केमिस्ट्री भी मिली, बायोलॉजी भी मिली, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मिली, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी मिली, ठीक है, एनालॉग मिला, डीसी मिला, वो तो आपको मिला ही, इलेक्ट्रिकल पार्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन आपको हर तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप यूपीसीईटी में एक अच्छी रैंक ला सकते हो। और जिन भी विद्यार्थियों को 60 से ऊपर स्कोर आ रहा है, मतलब इस 60 से क्वेश्चन सही है, 60 से ऊपर क्वेश्चन सही है, उसके बेटा टॉप 10 में रैंक लाने के बहुत हद तक चांसेस है। आपको मोस्ट प्रोबेबली जो टॉप के कॉलेज है, ठीक है, एसबीटीयू, आईटीयू, इन सब आईटी लखनऊ, इन सब कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा, मिल सकता है, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो डाउट सेक्शन में मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, कोई आंसर की समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर दैट इज द इनकरेक्ट आंसर और दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और कह सकते हो कि इसका आंसर एक बार ब्रीफ कर दो, ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द फुल एनालिसिस ऑफ यूपीसीट। कोई भी दिक्कत हो तो बेटा जीसीसी लीड कोचिंग हमेशा आपके साथ है, ठीक है, कोई भी दिक्कत होने पर, ठीक है, आप यहां एनरोल करें, यहां पे एक बार विजिट करें, ठीक है, क्या क्या पैटर्न है, ठीक है, पूरा पैटर्न जो है, ठीक है, वो हम बताएंगे। दूसरा क्या है, 17 सितंबर से अपना सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिन भी विद्यार्थियों को एनरोल करना है, ठीक है, वो जरूर एक बार, जरूर से जरूर एक बार देखें, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।